तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोकानं जय महाप्पा महावीर वंदे महायसं महावरं महावीरं महावीर सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः श्रीसुधर्मस्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकय नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे गुणत्वात् द्रव्यस्य अस्तित्वं द्रव्यत्वात् गुणस्य अस्तित्वं द्रव्यत्वात् पर्यायस्य अस्तित्वं पर्यायस्य अस्तित्वात् द्रव्यस्य अस्तित्वं द्रव्यस्य गुणस्य अस्तित्वात् पर्यायस्य अस्तित्वं पर्यायस्य अस्तित्वात् गुणस्य अस्तित्वं तीनों का तीन के साथ कैसे आधार आदेय भाव और कार्य कारण भाव संबंध। अब वो आप इस तरह से जो है अब जिस तरह से आप अलग अलग जोड़ते जाओगे अब द्रव्य के आधार पर गुण का आधेय स्वरूप द्रव्य है तो गुण निश्चित है, गुण है तो द्रव्य निश्चित ही है। मतलब क्या हुआ? अब अपोजिट बोलो एक कैसे नाम, द्रव्य नहीं है तो गुण भी नहीं, गुण नहीं है तो द्रव्य भी नहीं। क्या हुआ? निश्चित अन्वय व्याप्ति से आधार आदि भाव संबंध और साथ ही कार्य कारण भाव संबंध। कार्य कारण में द्रव्य की कारणता, ज्ञान गुण की कार्यता, द्रव्य कारण बना गुण कार्य। और जब आप इस तरह से साधोगे गुणत्व द्रव्य से अस्तित्व गुण गुणिनोर अभेद संबंधत्व, अब गुण जो है वो कारण बन गया, द्रव्य कार्य बन गया, दोनों में अलग है। गुण के कारण ही द्रव्य है, गुण के कारण द्रव्य की पहचान हो गई। अब उसके कारण क्या हुआ कि जब गुण के कारण द्रव्य की पहचान हो गई तो कारण कौन बना है? गुण कारण बना है। कार्य कौन बना है? द्रव्य कार्य बना है। अब ये दोनों कार्य कारण भाव गुण गुणी भाव अभेद संबंध हुआ, अविनाभावी संबंध हुआ। अब ये तीनों बरोबर अगर बैठ जाते हैं तो क्या निश्चित होता है? एक के कारण दूसरे का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है, एक के अभाव में दूसरे का अभाव सिद्ध होगा, तो एक के कारण दूसरे का अस्तित्व भी उतना ही सिद्ध होगा। ये दोनों साथ में है। अगर आपने एक के कारण दूसरे का कारण सिद्ध नहीं किया, कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं किया तो तकलीफ होगी। अब रही बात किसकी? पर्याय की। तो पर्याय भी क्या है, किसके अधीन है? पर्याय भी जो है वो द्रव्य के अधीन है। अब पर्याय जब द्रव्य के अधीन है, द्रव्याधीनत्व, अब द्रव्य के अधीन होने के कारण जो है पर्याय है। अगर द्रव्य ही नहीं होता तो पर्याय नहीं होती। फिर दूसरी पर्याय किसकी हो रही है? गुण की पर्याय हो रही है। द्रव्य गुण दोनों का अस्तित्व है, इसलिए पर्याय का परिवर्तन। अब पर्याय है और पर्याय का परिवर्तन, दो में फर्क कितना पड़ रहा है? परिवर्तन। पर्याय है और पर्याय का परिवर्तन होता है। अरे ख्याल में, पर्याय का होना और पर्याय का परिवर्तन न होना,
पर्याय होना, पर्याय का परिवर्तन न होना, पर्याय है पर्याय का परिवर्तन पर पदार्थ से होना, पर्याय है पर्याय का परिवर्तन स्वद्रव्य के कारण होना, पर्याय है और पर्याय का परिवर्तन गुण के कारण होना, पर्याय है और पर्याय का परिवर्तन गुण से होना। चला है तो अब एक 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 सबके दृष्टांत आपको स्पष्ट करने पड़ेंगे। अब पर्याय है और पर्याय का परिवर्तन हो ऐसा तो हो सकता है। हाँ सिद्धार्थ देखो बरोबर के नहीं, उनकी भी पर्याय का परिवर्तन तो हो ही रहा है ना ज्ञान में। द्रव्य की एक एक भाग अलग करो, एक एक विभाग अलग करो। जब द्रव्य का पर्याय परिवर्तन नहीं होता है तो द्रव्य पर्याय रूप में तो है, अभी गुण की विवक्षा नहीं कर रहे हैं। यदा यस्य विवक्षा प्राधान्येन भवति तदा तस्यैव अधिग्रहणं करणीयम्। यदा यस्य गौणत्वेन विवक्षा करणीया चेत् तस्य गौणत्वेनैव अधिग्रहणं करणीयम्। अब मुख्य गौण मुख्य भाव किसका चल रहा है? गौण मुख्य भाव में अगर गुण आपका गौण है और द्रव्य प्रधान है तो द्रव्य की पर्याय हो रही, अगर गुण प्रधान है और द्रव्य गौण है तो गुण की पर्याय चल रही है। ज्ञान की पर्याय, ज्ञान क्या है? गुण है। तो ज्ञान की पर्याय जब चलेगी तब आप बीच में द्रव्य नहीं लाओगे। क्यों नहीं लाओगे? गुण बिना द्रव्य के रहता ही नहीं, गुण गुणिनोर अभेदत्व, वो एक बेसिक सिद्धांत हो गया। अब उसके ऊपर आधार ये व्यवस्था कर रहा है गुण के पर्याय की। अब गुण का पर्याय और गुण के पर्याय का उत्पाद है। गुण का नंबर एक पहला पर्याय स्थिर स्थायी अस्तित्व स्थिर स्थायित्व, गुण ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन का द्रव्य के ऊपर द्रव्य संबंध किससे? आत्मा से। जिसके साथ जिसका जो गुण तो पर्याय वहां से अस्तित्व नहीं हुआ, गुण का पर्याय स्थिर कैसे हुआ? गुण का पर्याय पहले एक एक भेद करके फिर स्पष्ट करो आप। अब गुण है गुण का पर्याय, गुण का पर्याय परिवर्तनशील है और गुण स्वयं अस्तित्व से नित्य है। जिस किसी का भी जिस द्रव्य का जो गुण है उसका अस्तित्व उस द्रव्य में त्रिकाल नित्य है। त्रिकाल नित्य अस्तित्व होते हुए भी उसका पर्याय परिवर्तन हो रहा है। अब इसी के कारण उत्पाद व्यय की व्यवस्था है। भगवान ने अपनी स्व इच्छा से उत्पाद व्यय बैठा नहीं दिया है, द्रव्य का स्वरूप ही वैसा है, होता ही वैसा है, इसलिए उन्होंने इसको मात्र खोलने के लिए उत्पाद व्यय की प्रक्रिया बताई, नहीं तो उत्पाद व्यय बैठेगा ही नहीं। समझेंगे, मैं अपनी स्व इच्छा से बैठाने जाऊं कि इसमें ये बैठा दू इसे में ये बैठा दू, नहीं होगा। इच्छा प्राधान्यता नहीं है, पदार्थ में वैसी व्यवस्था की प्राधान्यता है। और वो कौन सी कैसी है? स्वस्रा विसस्रा वा, क्या लें? स्वयं हो करके होती हो या परकृत होती हो। तो स्वयं होते पर क्या है? आकाश धर्मास्ति का है अधर्मास्ति का है, इनके अंदर क्या हो रहा है? गुण त्रिकाल नित्य शाश्वत रूप से अस्तित्व में सदा ही रहता है। अब उनके अंदर स्वयं के गुण की पर्याय में उत्पाद व्यय कैसे होगा? परकृत निमित्त से होगा। पराभावे उत्पाद व्ययाभाव, पर का कोई संयोग वियोग न हो, संघात विघात न हो तो पर्याय का परिवर्तन नहीं होगा। पर के संयोग वियोग के कारण पर्याय गुण के पर्याय का परिवर्तन होता है। अब वही चीज आप देखिए कि आत्मा के अंदर उसके ज्ञान दर्शन है, उनका संबंध कैसा है? त्रिकाल नित्य गुणी में गुण का अस्तित्व त्रिकाल नित्य है। अब उसके पर्यायों में उत्पाद व्यय हो रहा है, किसके? गुण के पर्यायों में। अब गुण के पर्यायों में उत्पाद व्यय
स्वयं में हो या परकृत हो, जब नेय में उत्पाद वे होगा वही ज्ञान में प्रतिबिंबित होगा, जब जीव पुद्गल के गमनागमन से होगा वही जाकर के उसमें होगा, ये हमारे में पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब ये क्या है, यहाँ पर हमने ये सिद्ध आत्मा है। अब सिद्ध आत्मा अपनी तरह से जिस तरह से है तो क्यों सिद्ध है, वो परिवर्तन से मुक्त है सिद्ध। हाँ, अब गुण की दृष्टि से सिद्ध स्वरूप बताइए, पर्याय के स्वरूप से सिद्ध स्वरूप बताइए, द्रव्य के स्वरूप से सिद्ध स्वरूप बताइए, तीनों तरीके से आपको द्रव्य सिद्धत्व सिद्ध करना है। थोड़ा सा ध्यान बरोबर बारीक रखना, समझे? द्रव्य स्वरूप से, गुण स्वरूप से, पर्याय स्वरूप से। अब तीनों का हम इसमें जो है, आप ये द्रव्य स्वरूप लिया, इसी में आपने ये गुण स्वरूप लिया और इसी में आपने पर्याय स्वरूप। अब क्यों ये तीनों हम ले रहे हैं, क्योंकि तीनों पदार्थ के स्वरूप में है, पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय तीनों रूप में है, बरोबर। उत्पाद वे द्रव्य तो मात्र उसके व्यवस्था कर रहा है, पदार्थ के स्वरूप को कैसे स्पष्ट करना होता है, कहना है, जैसा होता है वैसा कहना है। क्या है, त्रिपदी 100 में से 90% उसको कहने की भाषा पद्धति में ली, जस्ट टू एक्सप्लेन इन द लैंग्वेज। तब लैंग्वेज का मुख्य कार्य आया, तब जाकर के भाषा को नयवाद की स्यादवाद की दो पद्धति से कथन करने का। और ये कब हो रहा है, क्यों कथन करना है, वैसा उसमें घटित हो रहा है, सिद्ध में वैसा घटित हो रहा है। अब इधर क्या लिया हमने, जीव लिया। अब इधर आपने ये क्या लिया है, अब ये आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य कैसा है, अनंत प्रदेशी द्रव्य है। अब ये जिस तरह से अनंत प्रदेशी द्रव्य पूर्ण है, लेकिन इतना ऐसा होते हुए भी अब ये इसके अंदर जो है लोकाकाश जो है, अब ये भेद हमने क्यों किया है यहां पर, द्रव्यस्य अखंडत्वात् पूर्णत्वात् एकरूपत्वात्। आपको लोकाकाश अलोकाकाश दोनों एक अखंड द्रव्य। अब क्या विवक्षा के, द्रव्य की अपेक्षा से देखा तब, पर्याय की अपेक्षा से देखा तब, लोकाकाश अलोकाकाश ये भेद हो, ये क्योंकि ये भेद हमने पर्याय भेद से, पर्याय ही उस प्रकार की है। लोकाकाश सीमित है, अलोकाकाश असीम है, लोकाकाश मर्यादित है, अलोकाकाश अमर्यादित, लोकाकाश समाप है, अलोकाकाश अमाप है, लोकाकाश शांत है, अलोकाकाश अनंत है। अब ये हो गया सब। अब विभाग किसके कारण, पर्याय हुई, पर्याय हुई तो आकाश में, कारण कौन बना है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय द्रव्य कारण बने, जीव कृत पर्याय आकाश की नहीं है अभी, अजीव में पुद्गल कृत नहीं है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय। अब वो पदार्थ ही उस प्रकार है तो अरूपी है। आप आकाश में जाओगे तो ये बॉर्डर आपको दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन है तो सही। एक कबूतर उड़ता है और कांच लगे हुए, और वो अपनी गति से फास्ट जाता है, वहां टकरा जाता है, नीचे गिर जाता है, तो उसको तो क्या लगा, कांच है तो उसको तो आर पार का दिख रहा है। अब कांच के बीच में बाधा नहीं दिखाई दी, तो उसने अपनी गति, उड़ान जो है फास्ट गति से, मैं भाग जाऊं निकल जाऊं, लेकिन जाते ही टकरा करके गिर गया। ये क्या है, अदृश्य तत्व है, अरूपी तत्व है, पदार्थ है। और अदृश्य अमूर्त होने के कारण
कोई आपको दिख नहीं रहा है कि ये यहाँ पर दीवार है कि ये यहाँ पर दीवार है कि यहाँ पर, लेकिन पदार्थ गति सहायकता से वहां तक ही फैला हुआ है। तो ये पर्याय अलग हो गई, ये पर्याय अलग हो गई। क्यों ये पर्याय अलग हुई? इस पर्याय के अंदर दूसरा व्यवहार क्या हो रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं है सर, अन्य कुछ भी नहीं है, स्वयं जरूर है लेकिन पर कुछ नहीं। स्वयं कौन? स्व कौन हुआ? आकाश द्रव्य। आकाश होते हुए भी अन्य पर, आकाश से पर जो है वो कुछ भी नहीं। आकाश का आपने द्रव्य कौन सा लिया है उसी की पर्याय लेना है। हाँ, लोक आकाश अलोक आकाश, द्रव्य तो आकाश ही है, जो द्रव्य होगा उसी की पर्याय बनेगी। संयोग किसका? संयोग हुआ है जीवा कुंडल का, अभी उसको भी जो है पदार्थ का संयोग होने से पर्याय होती है। आकाश से पर धर्मास्ति का है। हाँ, अब पर होने पर उसी में बीच में है तो पर के कारण ही भेद हुआ, नहीं तो लोकाकाश अलोकाकाश पर्याय नहीं बनती। पर्याय से नया क्या मिला? नया क्या बात, पर्याय ही नहीं है ना। आकाश का गुण का गुण है जगह लेने का, गुण का नहीं। आकाश अस्ति काय द्रव्य, अभी द्रव्य की बात करो भाई। आकाश अस्ति काय एक पूर्ण अखंड द्रव्य है। हाँ, बीच में दूसरा पर पदार्थ आते हुए भी उसके खंड नहीं हुए, पर्याय भेद बना। अगर खंड हुए बोलोगे तो द्रव्य के टुकड़े हो गए। द्रव्य के टुकड़े न होते हुए भी पर द्रव्य के कारण भी अखंडत्व बना। पर द्रव्य कौन है? धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, और दोनों कैसे? अरूपी है, इसलिए आकाश की अखंडता बनी रही। अगर दोनों रूपी होते तो मुश्किल होता, ख्याल आया कि नहीं? तो यहां से यहां तक इसकी पूर्ण अखंडता ये हम ले रहे हैं। ये अब ये आकाश द्रव्य यहां से यहां तक, मतलब क्या है ये पूर्ण अखंडता कहने से? जितने अनंत प्रदेश अलोकाकाश के एक इस दिशा से उस दिशा तक वहां तक पूर्ण है, तब जाकर के वो अखंड द्रव्य। अलोकाश में धर्मांतिका अधर्मांतिका तो किसमें? लोकाकाश में ना, फिर बात उल्टी हो गई। क्यों हो गई? सोच समझ के बोलो। लोकाकाश में अभी हमने क्या, अभी हमने ये क्या किया है? आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य एक अखंड हुआ। अब द्रव्य की पर्याय किसके कारण हुई? परकृत द्रव्य कौन है? तो उसके कारण, तो ये किसमें रहा? हाँ, तो आकाश अस्ति काय द्रव्य, अभी द्रव्य में द्रव्य, पुद्गल के शरीर में चेतन आत्मा, ये भी अलग द्रव्य है, ये भी अलग द्रव्य है, आत्मा भी अलग द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य भी अलग द्रव्य है। पुद्गल के शरीर में चेतन आत्मा का पर्याय क्या हुआ? शरीर। बरोबर, इसमें वैसा पर्याय। हाँ, इसमें आकाश अस्ति काय में धर्मास्ति काय, तो धर्मास्ति काय के अंतर्गत का जो आकाश है उसकी पर्याय लोकाकाश। अब लिखो पहले, बोलो। आकाश अस्ति काय एक पूर्ण अखंड द्रव्य में, लोकाकाश, अरे धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय के कारण, लोकाकाश और अलोकाकाश, ऐसी आकाश की दो पर्याय बने। लोकाकाश
आकाश अस्थि काय के दो पर्याय बने, आकाश हाँ आकाश सती काय द्रव्य लिखो, आकाश अस्थि काय द्रव्य की दो पर्याय बनी, बोलो अब इसमें क्या नहीं समझ में आया, वाक्य पढ़ो वापिस लिखा हुआ पढ़ो। आकाशिकाय कोण अखंड द्रव्य में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के कारण लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे दो पर्याय आकाशिकाय द्रव्य की दो पर्याय बने। बराबर, बोलो अब क्या हुआ। अब ये जो है यहाँ की ये अंदर की, अब अंदर की पर्याय बनी है तब जाकर उसका अंदर व्यवहार होगा ना, जीव अजीव और जीव पुद्गल कहाँ है, तो ये संज्ञा बनी। अब ये लोकाकाश बना, अब ये क्या है, ये पर्याय है, हमने क्या कहा, अब एक पर्याय हमने ये दी और इधर दूसरी पर्याय हमने ये दी कि अलोकाकाश, तो ये एक पर्याय और ये दूसरी पर्याय। अब द्रव्य की अखंडता तो बनी रही, आप जब तक द्रव्य गुण पर्याय तीनों को भेद करके अलग अलग समझने की कोशिश नहीं करोगे वहां तक ये खुलासा नहीं होगा। द्रव्य द्रव्य ही है, पर्याय किसकी होगी, द्रव्य की भी और गुण की भी क्यों लगाए, द्रव्य की भी हो रही है गुण की भी हो रही है। तो अभी हम द्रव्य की विवक्षा कर रहे हैं, अब द्रव्य की विवक्षा करते हुए आपने लोकाकाश और अलोकाकाश पर्याय दो की, क्योंकि ये पर्याय व्यवहार इनका होगा, द्रव्य के होते हुए भी पर्याय से व्यवहार हो रहा है उसी द्रव्य का। ख्याल है हमारी आत्मा है, आत्मा इस समय पुद्गल में शरीर में है, अब व्यवहार किसका होगा आपका, हाँ शरीर का व्यवहार करेंगे, अनुगत अंदर कौन है वो समझ कर ही करना है। जैसे आत्मा और शरीर हाँ दो पुद्गल है, उसका दो पर्याय, दो द्रव्य है, दो द्रव्य उसका दो पर्याय क्या हुआ, आत्मा ने शरीर धारण किया एक पर्याय हो गई। अब आत्मा जो है जिस शरीर में जिस आकार में क्षेत्रीय पर्याय हो गई, अब पुद्गल कितना है, पुद्गल भी उसी के आकार का बना हुआ है, तो आत्मा ही उस पुद्गल द्रव्य के अंदर उस आकार के पर्याय से, तो आपको दो पर्याय, तो मनुष्य रूप में क्यों पहचाना जाए, पशु क्यों नहीं कहते हमको, पक्षी क्यों नहीं कहते हमको, आत्मा तो उनकी भी है, क्षेत्रीय पर्याय, क्षेत्रीय पर्याय उस शरीर की हुई, वही शरीर हुआ, वही शरीर है उसी की, और आत्मा उसमें ढल गया। आप पर्याय किसकी हुई है, यहाँ दो द्रव्य इकट्ठे हुए दोनों की हो गई, चेतन आत्मा द्रव्य अंदर मूलभूत है उसकी पर्याय, और पुद्गल जो है उसका बना हुआ शरीर है, तो पुद्गल की पर्याय, आत्मा की भी पर्याय हुई, आत्मा पांच फुट में रहा, चार फुट में रहा, वो क्षेत्रीय पर्याय, क्षेत्रीय अवगाहनत्व जो है, तो दो द्रव्य है दोनों की पर्याय हुई ना, द्रव्य एक चेतन आत्मा और एक पुद्गल, अब दोनों के परे इधर क्या हुआ, दो द्रव्य है, एक द्रव्य आकाश और दूसरा द्रव्य धर्मास्तिका है, तीसरा द्रव्य अधर्मास्तिका, धर्मास्तिका धर्मास्तिका है समांतर ही है, इसलिए दोनों की एक गणना करके करो, पर दो द्रव्य का अस्तित्व है। अब इनके कारण जो है लोकाकाश ये संग पर्याय बनी, और इनके कारण अलोकाकाश ये पर्याय बनी, लोकाकाश गत क्षेत्र अंदर का और लोक बाह्य क्षेत्र अलोक का, ये दो पर्याय। अब दो पर्याय की विवक्षा करने का कारण क्या था, अब केवली को अपने दर्शन में जो दिख रहा है पदार्थ अरूपी है, अरूपी होते हुए भी केवली के दर्शन में जो उनको स्पष्ट दिख रहा है जीव और पुद्गल, ये सिर्फ लोकाकाश क्षेत्र में ही है, अलोकाकाश क्षेत्र में नहीं है, तो ये व्यवहार कैसे करेंगे, अगर ये पर्याय न बने तो ये भाषा व्यवहार कैसे कर, अलोकाकाश अलोकाकाश तो अनंत है,
उसका पर्याय रूप में क्षेत्रीय रूप में जो अलोकाकाश के केंद्र में धर्मास्ते काय अधर्मास्ते काय के कारण लोकाकाश पर्याय का क्षेत्र बना, वही जगत है, उतना ही जगत है। जगत आकाश के कारण नहीं है, जगत धर्मास्ते काय अधर्मास्ते काय के कारण, लोक संज्ञा, जगत मतलब लोक संज्ञा। आकाश के कारण गिनने जाओ तो अनंत हो जाएगा फिर तो। लोक के कारण क्यों कहा गया है? लोक के सीमित क्षेत्र में ही जीव पुद्गल है, और जीव भी अनंत है, पुद्गल भी अनंत है। अब इन दोनों के कारण जगत का स्वरूप जो बना है वो आपका परमानेंट हुआ है। तो जगत संज्ञा, लोक संज्ञा हमने लोकाकाश आश्रित है, इसलिए लोक संज्ञा दी गई। लोक संज्ञा किसको दी गई है? लोकाकाश की शॉर्ट फॉर्म में लोक संज्ञा है। तो लोक को जगत, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, अब उसका व्यवहार पूरा होगा, और लोक आपके व्यवहार में नहीं आ रहे। अलोकाकाश अनंत गुना बड़ा है, लोकाकाश अलोकाकाश के अनंतवे भाग का ही है, फिर भी व्यवहार लोकाकाश का ही होगा, अलोकाकाश का नहीं होगा। अब लिखना है कि बोलना है आपको? बार बार मैं कहूं तो ही लिखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद होकर लिखते ही नहीं हो, फिर मुझे बोलना पड़ता है कि लिखो। आप खुद लिखो। अनंत गुने अनंत गुने अलोकाकाश का अनंतवा भाग ही लोकाकाश है। लोकाकाश में ही अनंत जीव और अनंत पुद्गल पदार्थ है। हाँ, इसलिए जगत ब्रैकेट में लोक हाँ ब्रैकेट में लोक व्यवहार लोकाकाश से ही होता है। अब जीव पुद्गल का व्यवहार कहाँ होगा? लोक में होगा। व्यवहार क्या होगा? गमनागमन होगा, जो भी हो जीव पुद्गल का। अब वो सारा व्यवहार लोकाकाश में होगा। अब भले लोक प्रदेश है कितना, अलोक के अनंतवे भाग का ही है। अलोक कितना है? अनंत गुना बड़ा है, इसलिए अलोक अनंत है, अमाप है, असीम है। लोक ससीम है, शांत है, समाप है, तो उसके अनंत वे भाग का ही है। लेकिन अनंत अनंत जीव और अनंत अनंत पुद्गल है लोकाकाश क्षेत्र। अगर अलोकाकाश क्षेत्र में भी होते तो ये लोकाकाश की संज्ञा ही नहीं बनती, एक ही संज्ञा रहती। पर्याय ही एक रहती तो फिर दो दो अलग अलग कैसे होती? यहां दो क्यों हो गई? दो द्रव्य के अंदर एक द्रव्य की व्यापकता है, दूसरे द्रव्य की व्याप्यता है, उसके कारण दो पर्याय अलग बन गए। हर पर्याय की संज्ञा बनेगी। आकाश के दो पर्याय लिखे अपन ने, हाँ, आकाश के दो असंख्य पर्याय, वो घटाकाश पटाकाश, वो अब अलग बनाओ ना। पहले मुख्य पर्याय क्या बनी? मुख्य लोक और अलोक के दो पर्याय। अब आपको जिसमें भी आकाश अवगत द्रव्य मिले, अनुगत द्रव्य, ऐसा कोई भी पदार्थ हो, उसका आप नाम देकर संज्ञा देते जाओ, अवांतर संज्ञा। अब मान लो कि यहाँ पर देखो, ये बनाया है एक बहुत बड़ा टोप, और इतने बड़े टोप के अंदर ये हमने पानी भरा है, और इतने पानी के अंदर आपने बोलो कि भाई ये एक ग्लास है या छोटा टोप है। तो अब इसके अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी, ये हो गया आकाश। तो ये बाहर भी है, इसके अंदर भी है,
अब इसको भाषा में उपयोग करके व्यवहार करो। पदार्थ व्यवस्था तो ये हो गई, अब पदार्थ व्यवस्था के आधार पर आप भाषा व्यवहार करोगे तो आपको साध्वाती भाषा के सिवाय दूसरा पर्याय। लकड़ी में भी पानी है और पानी में भी लकड़ी, बरोबर है, पानी का भी लकड़ी है कि नहीं? देखो ना, ये बाहर का पानी कितना है, पानी में लकड़ी, हाँ, अब बाहर का पानी 100 लीटर है और अंदर तबेली का पानी 2 लीटर है, 5 लीटर है, तो क्या हुआ? जब ये बैठ रहा है तो इसको क्यों नहीं बैठा सकते हो? ये रूपी होगा, हाँ, ये रूपी आपको दिखाई दे रहा है व्यवहार में समझने के लिए, हाँ, आवाज सही है, हाँ, बरोबर। अब ये रूपी पदार्थ है, आपको स्पष्ट आंखों में दिख रहा है, अब ये केवली को दिख रहा है, बस फर्क इतना है, ये केवली को अनंत दर्शन के अंदर स्पष्ट हो रहा है, तो दृश्य पदार्थ को देखकर तो हर कोई समझेगा, अदृश्य अरूपी पदार्थ के अंदर। अब यहाँ जैसे स्वरूप है कि तपेली के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, पानी में भी तपेला, तपेले में भी पानी, अलोक में भी लोक और लोक में भी अनंत अजीव और जीव और अजीव पुद्गल पदार्थ, आकाश दोनों में आ गया, अनंत अलोक में भी आकाश है, लोक में भी आकाश है, लोक के बाहर भी आकाश है, लोक के अंदर भी आकाश है। अब बोलते जाओ, बराबर बराबर मत बोलो, वाक्य पूरा बोलो। लोक में भी आकाश है, अलोक में भी आकाश है। हाँ, वो आपको नजर वहां जा रही है उपयोग भाव में, तो ये सामने आना चाहिए, लोक में भी आकाश है, अलोक में भी आकाश है। अब आपको विवक्षा करके व्यवहार किसका करना है? लोका। जीव पुद्गल की जब बातें करोगे तब आप किसमें विवक्षा आपने की है? लोक क्षेत्र में। क्यों विवक्षा अलोक में नहीं कर रहे हो? वास्तविकता क्या है? अलोक में जीव और पुद्गल आदि अन्य द्रव्य है ही नहीं, रहते ही नहीं थे, होते ही नहीं थे, भविष्य में भी, तो तीनों काल का एक तरीका स्वरूप बन गए। अब ये सोचो, हमारे अनुभव की वस्तु तो है ही नहीं, अलोक किसी के अनुभव की वस्तु नहीं है, अलोक अरिहंत के भी सिद्ध के भी अनुभव की वस्तु नहीं है। अनुभव कैसे? द्रव्य से क्षेत्रांतर गमन करके वो देख करके नहीं आए हैं, लेकिन अपने ज्ञान दर्शन से उन्होंने स्पष्ट किया। अरिहंत भी अलोक में जाकर नहीं आए हैं, सिद्ध भी अलोक में जाकर नहीं आए हैं, लेकिन आप यहाँ खड़े हुए टॉर्च लाइट से प्रकाश फेंको तो कांच होते हुए भी जा रहा है कि नहीं? कांच अवरोधक है, लेकिन कांच के ट्रांसपेरेंसी जो है, पारदर्शकता जो है, तो प्रकाश को जाने में बाधक नहीं बन रही। तो धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय की अरूपित्वात् पारदर्शिकत्वं यथा प्रकाशस्य गमनम पारदर्शी अवरोधत्वेन अपि गमनम भवति तद्वत् केवलिनः ज्ञान दर्शनस्य गमनम अलोकेपि भवति। अब ये बोलो बरो, यथा दृष्टांतम तथैव, जैसे प्रकाश की किरण कांच के अवरोध के कारण सामने वाला पदार्थ नहीं जा सकती है, ठीक उसी तरह भगवान का ज्ञान भी लोक से लोक अवरोध लोक के अवरोध से अलोक में भी जा सकता है। अब लोक की पारदर्शकता, पारदर्शकता किससे आई? अरूपी होने से। अरूपी क्या है? गुण है। द्रव्य कौन है? धर्मास्ति का है, धर्मास्ति वो भी अरूपी है, और आकाश भी अरूपी है, द्रव्य अरूपी है, वो भी अरूपी है। हाँ, तीन द्रव्य अरूपी है और ये मिले हुए है, फिर भी अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। हाँ, गुण के कारण तीनों का द्रव्य स्वतंत्र होते हुए भी गुण के कारण आप अलग अलग भेद कर रहे हो, ख्याल आएगा नहीं? अब अरूपी पना जो है वो उसका धर्म है कि गुण है? धर्म, धर्म, धर्म,
गुण क्या है, अवगाहना प्रदायकत्व, गति सहायकत्व, स्थिति सहायकत्व, तो धर्म है। अब धर्म तीनों का एक है, अरूपीपना गुण सब तीनों का एक नहीं है। धर्म सामान्य सत्वेपि गुण विशेषत्वा द्रव्ययोर भेद। आप बरोबर ही बोलते हैं, आपने ये की चालू कर दिया, बरोबर बरोबर बोलना। सामान्य सत्वेपि धर्म सामान्य सत्वेपि गुण की अलग होने से द्रव्य में फर्क पड़ता है। फर्क शब्द बोलना, क्या बोलना? गुण की गुण का भेद, भेद गुण का भेद नहीं, द्रव्य का भेद, गुण के कारण द्रव्य का भेद। तीनों, हाँ, तीनों द्रव्य आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, तीनों द्रव्य होते हुए भी और तीनों का अनुगत धर्म एक ही है। अरूपीपना तीनों द्रव्यों में एक सरीखा होते हुए भी, एक सरीखा का मतलब क्या हुआ, धर्मास्तिकाय का अरूपीपना अलग है, अधर्मास्तिकाय का अरूपीपना अलग है, आकाश का अरूपीपना अलग है, आत्मा का अरूपीपना अलग है, ऐसा नहीं है। धर्म सामान्य तो सत्वेपि, धर्म सामान सत्वेपि गुण विशेषत्वात् भेदः द्रव्यस्य भेदः। नियम क्या बन रहा है ये पहले समझना है। मैं आपको पहले भी बार बार कह चुका हूं कि द्रव्यानुयोग में सबसे बड़ी व्यवस्था नियमों की है। और नियम क्या है, शाश्वत सिद्धांत है, त्रैकालिक सिद्धांत है, ये हमको समझना बहुत अनिवार्य हो गया। अरे आई सी सी फिर कर मैं मुझे बाड़े दिला रही हो। अब ये जो मुख्य वस्तु है समझे के, हमको इसमें समझना है पदार्थ स्वरूप और बैठाने हैं नियम, और नियम से शाश्वत स्वरूप से उसकी व्यवस्था समझाए, और उसके कारण जगने वाला आदर भाव केवली के प्रति। रोज केवली भगवान को मानसिक स्मरण करके 1008 खमास में हर वाक्य के साथ देने, मानसिक खमास मना ख्याल आएगा कि केवली भगवान ने एक सिद्धांत जो बताया वो शाश्वत है, ख्याल है। अब केवली को भी उनको तो स्पष्ट दिख रहा है, अब उनको दिख रहा है ये बड़ी बात नहीं है, उनको दिखने में तकलीफ नहीं है, उनको हमारे जैसे अल्पज्ञों को शब्दों में समझाने में तकलीफ। अब आई बात समझ में, भाई वो केवली है, हम तो केवली नहीं है, महावीर स्वामी अकेले केवली है, समोसर में बैठने वाले हजारों लोग थोड़ी केवली है, और समझाना किसको है। अरे हाँ, अब हमारे जैसे जीवों को जब समझाना है तो भाषा के बिना व्यवहार कैसे होगा। केवल ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, श्रुत ज्ञान से दूसरों को समझाना बड़ी बात। ये केवली की भी परीक्षा होती है वहां पर, उनको क्या तकलीफ है, केवल ज्ञान उनके लिए है, हमारे जैसों को समझाने के लिए श्रुत ज्ञान है, और हमारे सबका श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम कम ज्यादा है। हमारी तकलीफ क्या है, आवरणीय कर्म 80% है और अनावरणीय भाग 10-20% ही, हमारी समझ में बैठना मुश्किल है। अब केवली को स्यादवाद की भाषा का प्रयोग करे तो ही पूर्ण सिद्धांत समझा सके, और हमको चाहिए नयवाद, बाप से थोड़ा थोड़ा कौन ही सा बूंद बूंद से सरोवर भरेगा। अब केवली बूंद बूंद से सरोवर भरने की बात में नयवाद की भाषा बोलने जाए तो पदार्थ का सत्य संपूर्ण पूर्ण बता ही नहीं सकते, तो उनको स्यादवाद की भाषा के सिवाय दूसरा पर्याय नहीं है। यस्य मनसि अनेकांतवादं तस्य वचने स्यादवादस्य प्रयोगः। अब जिसके अंतर में अनेकांतवाद है, अनेक वाद ही यस्य ज्ञानम दर्शनम स्वमनसि स्पष्टमेव केवलम तस्य शब्द प्रयोगेण भाषायां कथनमेव अन्यस्य कृते
जब दूसरों को भाषा में समझाना है तब एक 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 धर्म के कारण एक 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 द्रव्य की सप्तभंगी कितनी करेंगे, कितने धर्म होंगे। यही अरूपी धर्म आत्मा को भी सिद्ध करे, धर्मास्ति काय को भी सिद्ध करे, अधर्मास्ति काय को भी सिद्ध करे, आकाश को भी सिद्ध करे। धर्म एक ही है लेकिन द्रव्य भेदे धर्म भेदा, धर्म भेदे द्रव्य भेदा। अब समानता तो आ गई तब किसकी जरूर पड़ेगी, गुण की जरूर पड़ेगी। क्यों? गुण की गुण विशेष है, विशेष धर्म गुण है, सामान्य धर्म धर्म है। सामान्य धर्म व्यापक रूपेण अन्य धर्मे पे तिष्ठति, विशेष गुण व्याप्य रूपेण स्वस्मिन् एव धर्मिणि तिष्ठति। जितना ही सामान्य धर्म स्व में और पर में उभय में होगा तो ही वो सामान्य कहलाए। भले ही होगा, चार में होवे, दो में होवे, तीन में होवे, एक में होवे। अब वो जो है सामान्य कब कहलाएगा, व्यापक हो गया, स्वद्रव्य में भी है पर में भी। विशेष गुण जो है वो व्याप्य ही रहेगा, व्यापक नहीं बने। और व्यापक बोलो तो स्वद्रव्य के सर्व प्रदेश से व्याप्य। अब जब आप आपके सामने प्रदेश रचना आए तब द्रव्य को सुन, और द्रव्य को समझना है तब प्रदेश रचनात्मक स्वरूप समझना है। तो प्रदेश रचनात्मक स्वरूप ही द्रव्य है, और गुण क्या है, सर्व प्रदेश व्यापी रूप में है। अब ज्ञान व्याप्य है कि व्यापक है, दर्शन व्याप्य है कि व्यापक है, व्याप बोलो तब एक प्रदेश है, एक एक प्रदेश व्याप्य, और प्रदेश कितने हैं, असंख्य है। तो ज्ञान दर्शन असंख्य प्रदेश में, अब व्यापक बोलो तो कितना हुआ, असंख्य प्रदेश व्यापक। अब जाति लगाओ तो जातित्वात् यथा स्वद्रव्यम तथैव अनंत द्रव्यानां अस्तित्वं। जैसा स्वद्रव्य है वैसा ही अनंत। स्वद्रव्य कैसा है, असंख्य प्रदेशी पिंड है। अनंत द्रव्य वो सभी कैसे हैं, वो भी असंख्य प्रदेशी पिंड है। स्वद्रव्य में भी ज्ञान गुण सर्व प्रदेश व्यापी है, अनंत आत्माओं में भी ज्ञान असंख्य प्रदेश व्यापी ही है। इति सादृश्यत्वात् एव जाति व्यवस्था। अब बोलो क्या नहीं बोलते, समान रूप में साधु जाति व्यवस्था किसके कारण बैठी, सादृश्यत्वात् जाति ही। सादृश्यम कस्य वर्तते, गुणस्य। गुणस्य सादृश्यत्वं कीदृशं, ज्ञान दर्शनानां असंख्य प्रदेशे व्याप्यत्वं। यथा स्वद्रव्यस्य ज्ञान दर्शनं व्याप्यत्वं तथैव अनंतानां जीवानां असंख्य प्रदेशे व्याप्यत्वं। भगवान हमारे ऊपर इतनी करुणा करके उपदेश क्यों दे रहे हैं, देशना क्यों दे रहे हैं। भगवान ये देख रहे हैं यथा मम आत्मनः स्वरूपं तथैव अनंतानां जीवानां आत्मस्वरूपं। यथा मम असंख्य प्रदेशः तथैव अनंतानां जीवानां असंख्य प्रदेशः। यथा मम आत्म प्रदेशे सर्व प्रदेशे ज्ञान दर्शनस्य व्याप्यत्वं तथैव अनंतानां जीवानां ज्ञान दर्शनं अनंत असंख्य प्रदेशे व्याप्यत्वं। अब उसमें पर्याय भेद किसके कारण आ गया, पुद्गल द्रव्य के कारण पर्याय भेद बन गया। क्या पर्याय भेद बना, ममात्म प्रदेशे ममात्म असंख्य प्रदेशाः आवरण रहिताः पूर्ण ज्ञान पूर्ण गुण प्रकृष्टवान। अब असंख्य अनंतानां जीवानां असंख्य ज्ञान प्रदेशाः आवरणीय स्थितित्वात् आच्छन्नम्। अनंत जीवों के असंख्य आत्म प्रदेश गुणों से आच्छादित है, गुणों गुण आच्छादित है कर्म आवरण से। तो भगवान क्यों देशना दे रहे हैं, भगवान को देशना दिए बिना छुटकारा ही नहीं है। आप पहले ये समझो क्यों नहीं है, भगवान का ज्ञान दर्शन इतना व्यापक बन गया है,
अनंत बन जब अलोक में जा रहा है उनका ज्ञान दर्शन, मैंने अभी दृष्टांत बताया टॉर्च लाइट का, तो भगवान का ज्ञान दर्शन भी कितना है, जैसे सूर्योदय तो एक प्रदेश का है, सूर्य का है, लेकिन प्रकाश का व्यापक प्रसार कितना हुआ सर्व क्षेत्र में। अब जो अजम्बो द्वीप का जितना क्षेत्र है, वैसे ही एक प्रदेश कौन, महावीर स्वामी का केवल ज्ञान महावीर स्वामी की आत्मा में हुआ है, लेकिन किरणों से प्रकाश फैला सर्वत्र है। तो जब अलोक दिखाई दे रहा है तो लोकगत अनंत आत्मा उनको दिखाई दे रही है कि नहीं, अलोक तो अनंत है ना, अलोक कितना अनंत है, क्षेत्र से अलोक अनंत है और जीव संख्या में अनंत है लोक में, तो सभी लोक द्रव्य लोक में फैले हुए सभी अनंत आत्मा द्रव्य कैसे हैं, जैसे उनके आत्मा है वैसे ही है, जैसे उनके असंख्य प्रदेश है वैसे ही है, तो उनको सादृश्यत्व लग रहा है, समान जातीयता किससे लग रही है, द्रव्य स्वरूप से, पर्याय स्वरूप से, सबका भेद अलग अलग है, कोई चीटी मकोड़ा है, कोई आती घोड़ा है, कोई कुछ है, कोई मनुष्य है, कोई देवनारकी। अब भगवान पर्याय को देख रहे हैं कि द्रव्य को देख रहे हैं, भगवान को दोनों दिखाई देगी। विवक्षा जब द्रव्य की चल रही है तब वो द्रव्यगत स्वरूप देख रहे हैं और द्रव्यगत स्वरूप में स्व सादृश्य जाति दिख रही है, जैसा मैं द्रव्य हूं वैसे ये सभी द्रव्य, जैसे मेरे ऊपर आवरणीय कर्म थे वैसे सबके ऊपर आवरणीय कर्म, जैसे मेरे ज्ञान दर्शन आदि गुण थे वैसे सबके हैं, जैसे सत्तागत ज्ञान दर्शन आदि गुण मेरे अनंत है वैसे सभी द्रव्यों में सभी जीवों में है। अब मैंने मेरे आप कर्मों का आवरण का क्षय किया और गुण को पूर्ण प्रकट किया, इन सब जीवों में भी यह संभव है, आवरणीय है, आवरणीय स्थिति बात दयनीय स्थिति ऐसी बात नहीं है, है कल मैं भी ऐसा ही था। तो आपने क्या कहा कि भगवान केवल उपदेश क्यों देते हैं, नहीं देवे तो उनको चलेगा ही नहीं, क्योंकि कर्म आवरण के कारण जीव दुखी है, दुख से बचा रहने के लिए उपदेश देते। अब भगवान में गुण सब प्रकट हुए कि नहीं, अब सब गुण में कितने गुण हुए, अनंत गुण है, अनंत गुण में एक गुण करुणा का है, अब करुणा किसकी, द्रव्य की के कर्मावरण के कारण, द्रव्य के कारण करुणा नहीं है, कर्मावरण के कारण कर्म ग्रस्तत्वा दुखी न जीवाः, अब कर्मावरण जो है उसके कारण दुखी है। अब ये करुणा जब भगवान में अनंत गुणी करुणा गुण है और एक एक गुण अनंत प्रमाण में सत्तागत है, निरावरणीय भाव से प्रकट हो गए, अब प्रकट हो गए तो करुणा अनंत गुणी प्रकट हो गई, तो उन जीवों के प्रति भगवान की करुणा, अब भगवान करुणा में कर क्या सकते हैं, करुणा बड़ी तो दे रहे हैं ना, रोज दे रहे हैं किया, हाजिर है बरोबर है, अब अनंत गुण हाजिर है उसमें, उनके चार अघाती कर्मों को उनको क्षय करना है, अपनी आत्मा को मुक्त करना है, चार अघाती कर्मों को क्षय करने के उनका पुरुषार्थ थोड़ी कोई है, कुछ भी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बिना नहीं होगा, ये मत बैठा आप बाती कर्मों के क्षय के लिए, घाती कर्मों के लिए ज्यादा किया है, अनंत गुना किया है तो अनंत में भाग का भी अघाती के लिए करना पड़ेगा, क्यों बिना किए हो जाएगा, क्या बोलो ना, अब वो आप पहले बैठा हो, अब चार घाती कर्मों के क्षय के बाद भी अघाती की कितनी प्रकृतियां रहती है, चलो फिर तेरहवें गुण स्थान पर सत्ता में कर्म की प्रकृति भी आंकड़ा, चार अघाती की सत्ता का प्रकृति, पंचहत्तर की क्या याद आ रहा है, अब वो बस वो आंकड़ा देखना है, जो भी हो बहुत बड़ी प्रमाण बहुत बड़ा है इसका, भले है ना उसमें कोई दाग नहीं है, अब उनका पुरुषार्थ क्या करना है, उनको आत्मा के ही ज्ञान दर्शन आदि का पुरुषार्थ है उनका और वो अनंत हो चुका है, अब उनको देर कितनी लगने वाली है, जब ज्ञान दर्शन आदि इतने अनंत प्रमाण में बढ़ चुका है
अब देर नहीं लगने वाली है, लेकिन पूछा कि नहीं, देर क्या लगी, ये गलत है आपका। कैसे कैसे अनंत वो तो बराबर वो समुद्र का वो तो सहज होने वाली प्रक्रिया है। नहीं समुद्र के पहले वो चौदह आया हुई समुद्र समुद्र सहज नहीं है, सहज होता ना तो सबको अंदर हो जाता। तो इसका तो नियम ही नहीं है, नियम है केवल क्या होने के बाद छह महीने के अंदर जीव मोक्ष में न जाए, जितने भी जीव है सभी सर सभी ऐसी कुछ बात है ना, नियम है। आप बोलते हो फिर अधूरा छोड़ देते हो, ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ, अच्छा महीने का नियम है, नियम है। क्या नियम है? छह महीने समझो केवल किसी चीज को हो गया उसके छह महीने में विमान को प्राप्त न हो क्या से लाए ये सब उठा के, कौन सा आगम खोला है यार, कोई पड़ा हुआ है क्या? सुन भी कैसे लिए, कहाँ से सुना? दोनों बोल दिया पड़ा हुआ है सुना, चलो नहीं ये एक सेकंड में इधर से उधर देख के बोल। अरे आदेश्वर भगवान को केवल ज्ञान हुए कितने बरस रहे? बहुत सारे। क्या बहुत सारे? ऐसी भाषा क्यों बोलते? 1,83,000 वर्ष। हाँ अब बरोबर बोला आंकड़ा, अब बरोबर बोला। तो अब नेमिनाथ भगवान 700 बरस रहे, शांतिनाथ भगवान 25,000 बरस रहे, अब वो तो 6 महीने कहाँ गए? तो समुद्र क्या होगा, क्या हुआ, किया होगा, क्या क्यों किया होगा? समुद्र नहीं करते क्या? नहीं करता ऐसा मत बोलो, क्यों करे? जब सहज है तो क्या करना? जो नाम और रूप, पहले पहले आपके शब्द बोलो पकड़ो, सहज शब्द का मतलब क्या हुआ? बिना पुरुषार्थ के ही सहज होता रहे, 6 महीने में कंपलसरी सबका होता हो तो व्यवस्था कैसे होगी? फिर 6 महीने 1,00,000 पूर्व के अंदर 6 महीने का हिसाब कहाँ गया? 700 बरस में थोड़ी होगा, हर 6 महीने एक बार, 6 महीने आपके कहने से एक बार चले, क्यों बिना किए सहज कैसे होगा सब में? क्या करना पड़ेगा? जब करना है तो करने के कारण को समुद्गात होता है, बिना किए समुद्गात सहज कभी होता नहीं है। अब वो बात मैं कभी पहले एक एक नियम करो, बाजी बदलोगे तो सही कि नहीं? अंदर पुरुषार्थ साध्य ही समुद्गात होता है, पुरुषार्थ के अभाव में समुद्गात सहज होता नहीं है, इसलिए सब में होना ऐसा नियम नहीं है। बरोबर हो गया? अरे भाई वो बाद में बात करो, पहले एक एक नियम पक्का करो, एक शब्द भी गलत आ रहा है तो नियम आपको बदलना है, ख्याल आएगा? एक शब्द भी गलत आकर के नहीं चलेगी बात। अब ये बात बैठ गई तो उसके हिसाब से अब केवली जाकर के उस समय अंत में कहां 13वें से 14वें गुणस्थान पर जाकर के उनको करना है। 14वां गुणस्थानक मोक्ष नहीं है, 14वां गुणस्थान अयोगी करण का है। अब सयोग चल रहे हैं, सयोगी 13वें गुणस्थान पर है, अब दो योग उनके चल रहे हैं, वचन योग और काय योग, अब इन दोनों का उपयोग बंद करना है, ये पुरुषार्थ है। काय योग और वचन योग को भी बंद करेंगे तब शैलेशीकरण होगा, अब शैलेशीकरण में ये सारी अघाती कर्म की प्रकृतियों का क्षय होगा, ये पुरुषार्थ है। ये सब 13वें गुणस्थान के अंत, अरे भाई सब 13वें गुणस्थान के अंत में हो, 14वें में हो, जितने में किए बिना नहीं होगा। अब ये बात है कि अब उनको वहां समुद्गत करना जरूरी नहीं है, पहली बात है। अब उसके लिए शुक्ल ध्यान के तीसरे चौथे दो चरण का उनको ध्यान करना, ये पुरुषार्थ है। ध्यान भी पुरुषार्थ साध्य है, ध्यान सहज नहीं है, क्या है? पहले दूसरे दो चरण के शुक्ल ध्यान में आए तब केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ था, अब भी जो है केवली के रूप में है इसलिए ध्यान करना पड़ेगा, तब जाकर के शुक्ल ध्यान का तीसरा चौथा चरण अंत में करेंगे। अब सिद्ध को ध्यान क्यों नहीं है? सिद्ध हो गए तो सतत सदा ही ध्यान में है तो उनको ध्यान करना नहीं है, ध्यान करने के पुरुषार्थ की क्रियात्मकता नहीं आई। ध्यान भी आत्मा का गुण है और गुण है और वो पूर्ण रूप में प्रकट हो गया है तो सदा ध्यानी है। अब यहाँ पर बात किसकी चल रही है? हम ये क्या विषय था? बात यह है कि आपने जो कहा कि वो तो फिर तिरछक जो देश का देते हैं वो फिर वो करुणा भूख के कारण से देते हैं।
अब देशना न दे तो चले ही नहीं, तो इसकी बात बैठा। अभी अभी आप लोग को मत बोलो मत पहले। अब केवली को अनंत केवल ज्ञान, अनंत केवल दर्शन हुआ और क्या दिखाई दिया? अब अलोक भी दिखाई दिया, लोक भी दिखाई दिया, सर्व आत्मा अनंत आत्मा दिखाई दिए, सब जीव दिखाई दिए, सबका स्वरूप द्रव्य स्वरूप स्पष्ट हो गया, गुण स्वरूप स्पष्ट हो गया, पर्याय स्वरूप गुण बाहु सक्रिय है, गुण सक्रिय है, कोई भी द्रव्य का उसका स्वरूप का गुण सक्रिय है, उसको सहाय करने गति करने के लिए पड़ेगी। अब क्यों ऐसा ऐसा बोल रहे, वापिस कल की बात नहीं, अब गुण गुण को कहाँ करना है, द्रव्य को करना है, द्रव्य को गति करने की गुण को गति करना है, गुण सक्रिय है कि नहीं, गुणों के कारण द्रव्य सक्रिय है, हाँ गुण तो है, द्रव्य के ही गुण है। अब द्रव्य के गुण जब सक्रिय बनेंगे तो द्रव्य सक्रिय बनेगा, अब तब जाकर के उसी को हमने शक्ति संज्ञा दी। हर द्रव्य अपने गुण से जो क्रिया करेगा, अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान गुण के आधार पर ज्ञानाचार का आचरण कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है जो द्रव्य सक्रिय है उसके गुण सक्रिय, जो द्रव्य निष्क्रिय है उसके गुण निष्क्रिय। पूछ रहा हूँ मैं भी विचार, आकाश द्रव्य कैसा है, निष्क्रिय है, गुण उसका है क्या है, अवगाहना प्रदायकत्व, अब प्रदायकत्व सहायकता धर्मास्ती काय की सहायकता, अब वो अपनी तरफ से उसने खुला रखा है, यहाँ फूल पड़ा है इसके परमाणु फैल रहे हैं, तो अब जो भी आए सुगंध लो सबको जो है सुगंध का अनुभव हो जाएगा, अब वो उसको तो नहीं, अब सुगंध को तो सुगंध नहीं आएगी ना, फूल को तो सुगंध नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, पहले ये खुला था, फूल तो फूल है, क्या बोल गया तू, ऐसा क्या बोला, फूल जड़ द्रव्य है, नहीं द्रव्य फूल निष्क्रिय है, अब ऊपर ऊपर फूल फूल जल जीव द्रव्य है, प्रत्येक वनस्पति काय जीव है, अब प्रत्येक वनस्पति हाय को एकेंद्रीय जीव है, तेंद्रिय को गंध ग्रहण होती है, एकेंद्रीय को गंध ग्रहण नहीं होती है, बापसी कहता तो बदम खबर हो जो कोई रस्ता हो किसकी कर्म प्रकृति किसकी है, इंद्र इंद्रिय कह इंद्र आत्मा, अब उसने बनाए ग्रहण करने के माध्यम उसका नाम इंद्रिय, क्या बराबर बराबर ग्रहण करने के माध्यम उसका नाम, मतलब क्या हुआ कैसे, मतलब जो इंद्रिय इंद्र का मतलब होता है आत्मा, हाँ जो ग्रहण करने वाला जो 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 उपकरण है उसे कहते हैं इंद्रिय, हाँ अब ये जो है ये जीव ने बनाया नाक, अब ये जीव ने बनाई ये जीव, ये उसने बनाई आंख, अब ये सब बनाया और इधर जो है इसने अपनी तरह से, अब ये अंदर कौन है, अब ये आत्मा है, इसके पास अभी क्या चल रहा है, इसका ये दर्शन गुण, इसका ये ज्ञान, अब ये क्या हो रहा है, इसने क्या देखा, अब यहां से जो पदार्थ उसके सामने आया दृश्य रूप, अब ये रूपी पदार्थ है, इसका जो है ये दर्शन हुआ, ये दर्शन को ग्रहण करने वाले ये इंद्रिय, इधर देखो अब ये आपको दिख रही है आंख, अब ये आंख अंग है, इधर देखो इंद्रिय क्या है इसके अंदर, अब ये जो है अंदर का इसको बोलते हैं रेटिना, ये पुपिल से खाली, ये पुपिल है इसकी चिंता मत करो, ये अंदर जो है ये रेटिना है, तो आकर प्रतिबिंब इसके ऊपर पड़ा और ये जो प्रतिबिंब पड़ा इसके ऊपर, इस प्रतिबिंब में ये ऑप्टिक नर्व जा रही है, ये आ गई ब्रेन में, यहाँ से आ गई ये दर्शन में, यहाँ से आकर इसमें जाएगी ज्ञान के अंदर, गई मति ज्ञान में, अब मति ज्ञान से जाएगा श्रुत ज्ञान, अब ये किसके कारण हो रहा है,
आत्मा का जब ये अपना खुद का गुण है, दर्शन ज्ञान दोनों, इसकी ग्राहक इन्होंने बनाई ये इंद्रिय। अब ये बनाने वाला कौन है? यहाँ ये आत्मा का नाम कर्म। अब नाम कर्म के अंदर ये उसने इंद्रिय नाम कर्म, इंद्रिय नाम कर्म का विभाग करने गए तो पांच इंद्रियों का पांचों का नाम कर्म। अब एक इंद्रिय नाम कर्म, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, इसलिए संसार में एक भी जीव बिना इंद्रिय का नहीं होगा। बोलो, संसार में एक भी जीव जो है बिना इंद्रिय का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मूल में आत्म द्रव्य ज्ञान दर्शन आदि गुणवान। अब उसको ज्ञान दर्शन ग्रहण करना है बाहर से। क्यों ग्रहण करना है? गुणवान है तो क्यों ग्रहण करना है? ज्ञान दर्शन आवरण से आवृत है, कर्म आवरण से ग्रस्त है। अब उसको बाहर के पदार्थ का ग्रहण करना है। तो जैसे बाहर के पदार्थ हैं, अब ये पदार्थ सब कैसे हैं? पुद्गल वाले। पुद्गल के अंदर क्या क्या है? अब ये वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। तो ये चारों ग्रहण करने के लिए अब आत्मा को वैसे अपनी इंद्रिय बनानी पड़ेगी। अब ये जो है ये नाक है, ये अंग है, लेकिन यहां पर आते हुए ये जो है गंध को ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रिय। नाक अंग है, वो नाम कर्म के शरीर के अंगोपांग नाम कर्म में गया। ये गंध ग्राही इंद्रिय, ये जीभ है, ये अंग है। अब ये अंग है ये नाम कर्म के आधार पर बना, लेकिन इसके अंदर अभी ये जो रस को ग्रहण करने वाली, ये रस ग्राही इंद्रिय है। तो इतनी बड़ी जीभ जो है, ये देखो ये इतनी बड़ी जीभ है। अब ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और यहाँ पर। अब आप देखो वस्तु मीठी है कि नहीं, तो बच्चा क्या करेगा? बस ये अग्र भाग, जीभ के अग्र भाग से चाखेगा। हाँ मम्मी मीठी है, मीठा है, बरोबर है, अभी ये शक्कर बरो। तो ये कौन सा रस ग्रहण करेगा, ये कौन सा ग्रहण रस करेगा? ये पांचों रस को ग्रहण करने की ये पांचों जो है उसको इंद्रिय के रूप में मिले। वो आत्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान गुण है ना। अब किसका चल रहा है व्यवहार? गुण का व्यवहार, गुण की क्रिया, द्रव्य आत्मा। अब यहाँ पर ये कौन कर रहा है? आत्मा ने अपने ही गुण पर आवरणीय कर्म। तो ज्ञान दर्शन गुण है, अब ज्ञान दर्शन के गुण से ही उसको व्यवहार करना है, इसलिए वैसी इंद्रिय बना ली। अब वैसी इंद्रिय बनाएगा तो उतने ही पदार्थ के गुण को ग्रहण कर सकेगा। अब एक इंद्रिय बनाएगा तो वो स्पर्श को ही ग्रहण करेगा। ये चमड़ी है, अब इसको खाली आठ प्रकार के स्पर्श ही ग्रहण करना है। अब ये है पुद्गल के गुण धर्म, तो शरीर भी किसका बना है? पुद्गल का बना है। तो इसी गुणों को लेकर के इसको, लेकिन अंदर जो है इनके गुणों को ग्रहण करने की इंद्रिय शक्ति आत्मा की। तो आत्मा प्रदेश यहाँ के दर्शन ज्ञान, शक्ति का नाम के दर्शन ज्ञान, गुण का नाम दर्शन ज्ञान। अब ये जो है यहाँ पर आत्मा के दर्शन, ये गुण ये यहाँ पर इस इंद्रिय के साथ तो जुड़े हैं, तो वो उसी विषय को ग्रहण करे। आपने ज्ञान को लिखे दर्शन आवरण की, तो यही है चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन। हाँ, ये कर्म प्रकृति बनी कि नहीं? हाँ। नाम लेकर हमने बनाई, क्यों बनाई? उसी की आवरणीय कर्म प्रकृति है, अब वो उसी का अवरोधन करोगी करेगी, इसलिए उनके नाम से कर्म प्रकृति बनाई। ज्ञान दर्शन तो समझ ज्ञान कहाँ जाएगा? दर्शन होके क्या फायदा? दर्शन ज्ञान कर्म तो इसमें दर्शन है ना? नहीं, दोनों है, दोनों ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय। मति ज्ञानावरणीय में कौन है? चक्षु दर्शनावरणीय मति, ये भी उसी के साथ है। तो मति आपकी बढ़ेगी, सामान्य मति ज्ञान है, तो मति ज्ञान इंद्रियों से ही हो रहा है। इंद्रिय जन्यत्वादेव मति ज्ञान, अब जाएगा तब श्रुत ज्ञान के पास जाकर। अब ये है, इसके पहले हो रहा है दर्शन, तो दर्शन के अंदर इनका देखना ग्रहण करना पहले, नहीं तो व्यवहार कैसे होगा? तो ये आपने आंख से देखा, कान से सुना, नाक से सूंघा, जीभ से चाखा, चमड़ी से स्पर्श किया। अब जिसके जिसके जितने आवरणीय कर्म है,
अब कोई दो इंद्रिय क्यों बना और कोई पंच इंद्रिय क्यों बना? आवरणीय कर्म, जिसने अपने आवरणीय कर्म इतने भारी बनाए, वो दो इंद्रिय बना, ये तीन इंद्रिय बना, ये पंच इंद्रिय बना। अब ये केवली क्या देख रहे हैं? ये पर्याय देखना कि ये द्रव्य देखना? ज्ञान दर्शन आदि गुण किसके हैं? ये एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि पर्याय कौन है इसमें? पर्याय भी द्रव्य ही पर्याय रूप में ढला है, तो द्रव्य रूप में देख रहे हैं। अब वो पंचेंद्रिय जीव जो है उनको अपनी वाचा का माध्यम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? पंचेंद्रिय जीव ही वचन को, शब्द को ग्रहण कर सकते। शब्द ग्रहण का है, इसलिए श्रुत ज्ञान, श्रुतम इति किम्, श्रवणी कृतम इति श्रुतम, श्रवणेन्द्रिय विषयी कृतम इति श्रवण श्रुत ज्ञानम। एक बार चक्षु इंद्रिय नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन चक्षु के बाद पांचवी इंद्रिय काम में आती है, तो वो जिन वाणी श्रवण कर सके। और तो इंद्रिय, अरे पर चार ये क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इंद्रिया चार ही है क्या? पांच है ना। तो फिर क्यों चार बोला? घटा रहे ना ज्ञान के अंदर, पांचों पांच घटाना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पांचों पांच ही घटा रहे हैं, मति ज्ञान अश्रुत क्या दो भेदा के ज्ञान के। भाई साहब, मति ज्ञान पांचों इंद्रियों का है, पांचों इंद्रिया और छठा मन। कोई हुआ आज आपने कितने भूले रिया हूँ तो वो ले जाकर के श्रुत ज्ञान में समझ देगा ना। श्रुतम मति पूर्वकम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होगा। जितना मति में ग्रहण हुआ है उतना ही श्रुत में जाएगा। तो श्रुत मति ज्ञान जो है पांच इंद्रियां और छठा मन दोनों के साथ है, दोनों के कारण है। अब अवग्रह या अपाय धारणा जो उनके प्रमाण में आया, तो वो इंद्रिय जन्य है, इंद्रिय जन्य में सबका व्यवहार करना पड़ेगा। श्रुतम किम श्रुतम इति हा, श्रुतम इति अवग्रहण। आप पहले वो वहां पर से स्पष्ट होगा, यहाँ पर क्या है? द्रव्य कौन है? आत्मा। गुण क्या है? ज्ञान दर्शन। अब ज्ञान दर्शन गुण है, तो गुण ही गुण पर ही आवरण है। पहले अब समझने की कोशिश करना, क्या है कि नहीं आवरण क्या है? कर्म बना है, अब कर्म किस पर लगा है? आत्मा प्रदेशों पर, पुद्गल की कार्मण वर्गना के प्रदेश का स्पर्श संबंध, ये बना कर्म। अब कर्म बन करके क्रिया, कर्म जो क्रिया कर रहा है वो गुण के अवरोध की है, गुण पर कर्म नहीं है, द्रव्य से द्रव्य का संयोग है। द्रव्यानुयोग इसमें कैसे बीच में लाओगे? द्रव्यानुयोग के बाद कर्म ग्रंथ की रचना होगी। स्वद्रव्य आत्मा, पर द्रव्य पुद्गल, पर द्रव्य पुद्गल की पर्याय कार्मण वर्गणा, स्वद्रव्य आत्मा, स्वद्रव्य के आत्म प्रदेश, अब पर के पुद्गल के कार्मण वर्गणा के परमाणु, परमाणु कितने? अनंत। आत्मा के प्रदेश कितने? असंख्य। अनंत कार्मण वर्गणा के परमाणु का आश्रवण हुआ, अब आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस से बंध होगा। अब वो बंद हुआ, जैसे मैंने क्या कहा था, शक्कर दूध में घुल गई। अब शक्कर घुलने से दूध मीठा हुआ, ये अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अब आप द्रव्य स्वरूप से देखो, गुण स्वरूप से देखो, पर्याय स्वरूप से देखो, अब आप किस दृष्टि से इसका उत्तर देंगे? शक्कर का दूध में घुलना अच्छा हुआ कि खराब? ऐसे देखा जाए तो शक्कर अलग द्रव्य है, दूध अलग द्रव्य है। शक्कर का गुण है विकास, दूध का गुण है विकास। तो शक्कर द्रव्य जब दूध द्रव्य के अंदर मिला, तो शक्कर के जो गुण जो है मिठास दूध के अंदर आई, उसका जो गुण धर्म था वो शक्कर द्रव्य का जो गुण धर्म था वो दूध नाम के द्रव्य के अंदर आया, से विवक्षा करो, द्रव्य से, गुण से, फिर पर्याय से।
अब पहले प्रश्न क्या है, शक्कर से दूध में मिलने से दूध अच्छा हुआ कि खराब हुआ, नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, तो किसमें देखना है? ये गुण में देखना है, गुण के अंदर ही दूसरे के गुण की क्रिया। स्वगुण में पर गुण ने आकर अपना अड्डा जमाया, आरोपण किया, तो उस द्रव्य का तो नुकसान हुआ, ख्याल है कि नहीं? अब पर द्रव्य से स्वद्रव्य में, पर द्रव्य का स्वद्रव्य में आना, अतिक्रमण, ये जो है अच्छा हुआ कि खराब हुआ? स्वद्रव्य का नुकसान हुआ, ख्याल है? पर द्रव्य पुद्गल और स्वद्रव्य आत्मा। अब पर पुद्गल द्रव्य का स्व आत्म द्रव्य में आना, तो आत्मा के गुण का ही नुकसान होगा, पर जो बाहर से आएगा वो छा जाएगा ऊपर, तो स्व का नुकसान करेगा। शक्कर पर द्रव्य है, पर का गुण लेकर आए, द्रव्य तो गुण के साथ ही, तो उसने आकर के स्वद्रव्य का नुकसान कर दिया। अब आपको द्रव्य से, दूध से जितनी शक्ति आनी थी, उसके बजाय शक्कर से उतने वंश बच्चे के पेट में बढ़ने शुरू हो जाए। दूध की ताकत तो आनी चाहिए ना, क्यों आनी चाहिए दूध से ताकत? दूध के अंदर जितना प्रोटीन तत्व है वो हमारे शरीर के रक्त रस मज्जा को बल दे रहा है। अब हुआ क्या कि दूध के प्रोटीन तो घट गए और शक्कर की मिठास का प्रमाण संख्या में बढ़ गए। अब वो बच्चे के पेट में इतनी शक्कर डाइजेस्ट नहीं होगी। डाइजेस्ट का मतलब क्या? अब बच्चे की आंतें जो है शक्कर के इतने परमाणुओं को एब्सॉर्ब नहीं कर सकती, उसकी कैपेसिटी है 50 परमाणु पचाने की, और आ गए 50,000 एक साथ में, अब बच्चा क्या करेगा? तो 1,000 कीड़े बनेंगे, वो 50,000 मिठास के परमाणु को ग्रहण कर ले। अब ये जो है दो इंद्रिय जीव है कीड़े, तो फिर इनकी संख्या और शक्कर खाएगा और मीठा खाएगा। अब मम्मी के लिए एक ही भाई बेटा है तो वो ज्यादा लाड़ करेगी, ले बेटा और दो चॉकलेट खा ले। अब उसके कीड़े जो है 1,000 से 2,000 हो गए, 2,000 से 10,000 हो गए। पर द्रव्य शक्कर, दूध में आकर शक्कर बाहर से मिली, वो आकर के मिलने के कारण अब क्या होगा? स्वद्रव्य का नुकसान। आत्मा स्वद्रव्य, आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि स्वगुण है, पर द्रव्य पुद्गल है। अब पुद्गल से हमारे आत्मा के गुण आच्छादित होंगे, क्यों होंगे? कि पुद्गल रूपी है, आत्मा कैसा है? अरूपी है। अरूपी के गुण जो प्रकट थे वो रूपी के आवरण से दब गए, आ रहा है ख्याल में? इसलिए कर्म, कर्म क्या है? रूपी पुद्गल परमाणु, अब उसने आकर ढक दिए। अब क्या हुआ? अरूपी के गुण जो थे वो प्रकट होने बंद हो गए, या ढक गए, या कम पड़ गए, ये कर्म का काम है। अब इससे क्या नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? तो ये रूपी जो है कारण बन रहा है, तो हमको दिखी तो नहीं पहचान में चक्षु। हाँ, केन कारणे न सूक्ष्मत्वात्, समझाए? लेकिन है तो सही, तो अरूपी जो द्रव्य होता है, जो आत्मा अरूपी द्रव्य है, तो वो भी केवल ज्ञान ही, केवल ज्ञान तो दिखता है ना, ज्ञान प्रतिबिंब दर्शन हमार, हमको जैसे चर्म चक्षु से दिख रहा है वैसे नहीं दिख रहा है उनको, केवली को भी आंख से नहीं दिख रहा है। अब महावीर स्वामी आंख बंद करे तो भी अनंत आत्मा दिख रही है, तो आत्मा प्रत्यक्ष, आत्मा प्रत्यक्ष, आत्मा की प्रत्यक्ष कैसे है वैसे तो ही बताया ना उन्होंने। हमारा फर्क क्या है? हमको रूपी पदार्थ, तो रूपी आंख है, पदार्थ रूपी है, तो आत्मा ने भी आंख रूपी बनाई अरूपी रूपी बनता ही नहीं है, रूपी अरूपी बनता ही नहीं। आपने जो मेरे को प्रश्न पूछा है, पुष्प जो है, फूल जो है, सबको सुगंध देता है, खुद को सुगंध क्यों नहीं देता? अरे खुद को सुगंध देता नहीं, खुद सुगंध ग्रहण नहीं कर सकता है, तो उसके बाद आपने कोई गारंटी नहीं, नहीं के लिए। हाँ, तो आपने क्या बोला कि आत्मा के पास, इसलिए अपन ने देखा था कि आत्मा के पास तो
इंद्रिया है, पांचों इंद्रिया है, उससे वो क्यों आत्मा में इंद्रिया की बात नहीं, आत्मा में ज्ञान दर्शन और ज्ञान दर्शन की ग्राहक इंद्रिया है, लेकिन आवरणीय कर्म भी ग्राहक को अग्राहक बना रहे। आत्मा में तो ज्ञान दर्शन तो आनंद है ना, केवल ज्ञान केवल दर्शन सत्तागत रूप में तो सदस्त आत्माओं में पढ़ाई है, फिर उसके ऊपर आवरणीय कर्म है। अब ज्ञान कितना है, अनंत है, दर्शन कितना है, अनंत है, तो आवरण भी अनंत है, तब जाकर के अनंत ज्ञान को अनंत दर्शन को ढकेगा, नहीं तो कैसे ढकेगा। अब उसका अंतिम अनंतवा भाग वही मति ज्ञान। क्यों? अष्टरुचक प्रदेशे अनावरणत्वात् आत्मना ज्ञान दर्शनम सदैव प्रगटी भरणम भवति। आत्मा के असंख्य प्रदेशों में आठ रुचक प्रदेश अनावृत होने के कारण सदा ही आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि प्रगट ही रहते। अब ये प्रगट ही रहते हैं तो अब उसका प्रमाण दायरा बढ़ाना है। अष्टरुचक प्रदेश में अब आठ से आप अठारह करो, अठारह से हजार करो, हजार से लाख करो, लाख से अब ये करते करते ये कब होगा, इतने प्रदेशों पर के आवरण जो है वो क्षय होंगे तब होगा, नहीं तो बोला सुन रहे आठ प्रदेश जो है कर्म से रही है, आठ प्रदेश जो है कर्म से रही है, तो इसलिए अपना ज्ञान ज्ञान और चेतन विज्ञान पूरा वो अपना प्रगट है, समझो ये अनावृत हो जाए, समझो अपने जो प्रदेश अपने आवृत है कर्मों से, जो है सत्तागत है आवरण से आच्छादित है, तबेले में टोप के अंदर दाल है, दूध है, सब्जी है, चाय है, सब है, वो ढक्कन से ढके हुए हैं। अब दस तपेले घर में रसोई में पड़े हैं, अब आप किसके अंदर दाल है, किसके अंदर दूध है, तो बिना ढक्कन खोले दिखाएंगे आप, पूर्ण रूप से ढके हुए। घाती कर्म की सर्वघाती प्रकृति का काम क्या है, सर्वघाती का काम पहले तो है उसका नहीं बोलेंगे, नहीं है उसका बोलेंगे, तो सर्वघाती का काम क्यों सर्वघाती नाम दिया। अभी केवल ज्ञान सर्व प्रदेश में है तो सर्वघाती प्रकृति आई, सब प्रदेश में ढक दिया, अब केवल ज्ञान कुछ भी नहीं आता। अब हमको जो मति श्रुत का ज्ञान है वो कौन सा है, कितना है, बस वो मति ज्ञान, अनंत ज्ञान का अनंत भाग ही प्रकट हो वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। जो आठ उच्च प्रदेश है वहां पर केवल ज्ञानवर्णी कर्म का उदय नहीं, बिल्कुल कर्म आवरण नहीं है तो कहां से उदय की बात आई। अनावृत बोला, अनावृत बोलने का मतलब क्या हुआ, नहीं देखा हुआ, हाँ तो फिर वो प्रकट है, तो फिर क्या उदयमय सवाल आया, प्रगट है तो फल क्यों नहीं बता रहा, बता रहे हैं ना, ये क्या बता रहे हैं रोज का, आपको एक बात समझ में आ तो रही है ना, भले दो घंटे तक मैं घूमता हूँ मेहनत करता हूँ, समझ में आ रही है तो किसको आ रही है, वो तो ऐसे भी मति ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान ऐसे ही आ जाएगी, आप पढ़ो बिना पढ़ो पुस्तक पढ़ा आज दिन तक क्यों नहीं आए, मति श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का ही अनंतवा भाग, तो वो तो आठ मुख्य प्रदेश में तो खुला है, तो पूरे जितने भी आत्मा प्रदेश है सभी के लिए खुला है, तो सब जगह खुला तो है, आवरण से ढका हुआ भी है ना, इसलिए तो केवल ज्ञानावरणीय, फिर मति ज्ञानावरणीय, फिर श्रुत ज्ञानावरणीय, जब ज्ञान पूर्ण है तो आवरण भी पूर्ण। निगोद की अवस्था में क्या है, निगोद की अवस्था में भी है तो आत्मा ही है, अब अष्टरुचक प्रदेश पर अनावरण होने के कारण उतना ही ज्ञान दर्शन उसका प्रकट, तो प्रगट कंपल्सरी, नहीं नहीं आठ मतलब किसके हमने लिए, ये आत्मा है, अब इधर देखो आप, ये हमने आत्मा का ये द्रव्य स्वरूप बनाया, द्रव्य स्वरूप मतलब क्या, हाँ अब ये प्रदेश है, कितने प्रदेश है, असंख्य, अब इन असंख्य प्रदेशों के, अब असंख्य का केंद्रीय भूत ये लिया, ये देखो ये हो गए आठ, बरोबर अष्ट रोचक प्रदेश, ये आठ असंख्य के बीच के केंद्रीय भूत। अब ये रोचक मतलब क्या,
अब आपने पहाड़ देखा है, पहाड़ के ऊपर जिस शिला के ऊपर मिट्टी है उसके ऊपर पानी एब्जॉर्ब होगा। अब जिस पहाड़ के पत्थर की शिला पर हवा से आंधी तूफान से मिट्टी के सब परमाणु, अब उसके ऊपर कितना भी पानी पड़े तो ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये आठ जो रुचक प्रदेश है, अब यहाँ पर कर्म आवरण आकर के इसको लगा, ये कर्म आवरण इस पर लगा, ये कर्म आवरण इधर लगा, अब ये कर्म आवरण चारों तरफ इस तरफ से फैलते गए, इस पर क्यों नहीं लगे? तो इसके ऊपर जो है कभी कर्म का आवरण लगता ही नहीं। अब ये आत्मा का द्रव्य स्वरूप, अब समस्त जीवों में एक सरीखा ही है, रुचकत्व मतलब उसके अंदर वैसा कंपन नहीं होता है, इसकी स्थिरता वैसी है, क्या लाया कि नहीं। अब इसके ये स्वरूप किसका है? संसार की अनंत आत्मा द्रव्य स्वरूप है, ये द्रव्य स्वरूप है। पर्याय मत बोलना, अभी कीड़ी मकोड़ा निगोद वगैरह हाथी घोड़ा ये पर्याय, अंदर मूलभूत क्या है ये द्रव्य स्वरूप। अब द्रव्य स्वरूप की पर्याय बदल गई, अब ये देखो हमने ये पर्याय ली थी अभी, अब ये पर्याय हमने बदल करके अभी ये पर्याय ना, अब ये पर्याय कौन सी आई, अब इसको क्या फर्क पड़ा, क्या बदला है? उद्गल की पर्याय जो इसने जैसी धारण की है, अब वो उसकी पर्याय जो जिस प्रकार की बदली, मूल अंदर जो ये जो आत्म द्रव्य, अब ये आत्म द्रव्य इसमें क्या फर्क पड़ेगा? बस ये आत्म द्रव्य स्वरूप संसार के अनंत पर्याय जीव की पर्याय में सबके अंदर एक सरीखा अनुगत द्रव्य है। अब यही अपने कर्मों के कारण, ये जो कर्म आप देख रहे हो, ये जो जो कर्म आए, अब इसमें इस कर्म का काम क्या है, ये गति नाम कर्म, ये जाति नाम कर्म, ये इंद्रिय नाम कर्म, अब उसके कारण जाकर के जीव सब जगह पर वैसा वैसा शरीर बनाता जाए, नाम करवाएगा। हाँ, अब ये जाएगा गति के अंदर तो चार गति में गया, ये जाएगा पांच जाति में जाएगा, ये जाएगा तो पांच इंद्रिय वाला बनेगा, ये अपने अपने हिसाब से बनता जाएगा, कर्म के कारण बनना है। तो बनना किसको है? जीव को ही वैसे ढांचे में डलना है, तो जीव की वैसी पर्याय बनेगी। पर्याय किसकी बन रही है? द्रव्य की, तो द्रव्य ही उस पर्याय में ढांचे में डला। तो अब ये पर्याय तो द्रव्य तो वैसे ही रहा ना, अब इसी द्रव्य के कारण ये पर्याय बने। अब फिर कल ये वापस ये क्या हुआ, ये उत्पाद, अब ये व्यय हुआ, अब ये व्यय होकर के कल यही जीव जाए सब, अब ये जीव जा करके ये जो है एक वापस कल, अब ये मैंने बनाया, ये क्या है, अब ये इसमें आया, अब ये इसमें आकर के वापस एक रहा, तो ये भी तो एक जीव ही है, जीव की पर्याय है। अब इसने गति नाम कर्म से एक केंद्रीय में गया, अब एक केंद्रीय में जाकर रहा, तो अब इसके यही आत्मा है, अब इस पर में गया तो एक इंद्रिय वाला, अब ये इसकी जो आपको दिख रही है ये स्पर्श इंद्रिय है, अब स्पर्श इंद्रिय से इसको भी ज्ञान दर्शन तो प्राप्त करना है कि नहीं? बिना ज्ञान दर्शन के गुण वाला संसार का एक भी आत्मा नहीं है, तो इसको ज्ञान दर्शन प्राप्त करना है। अभी कौन सा? ये एक इंद्रिय, एक इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श। स्पर्श को ग्रहण करने वाली ये जो है उसके पास क्या है? ये स्पर्श इंद्रिय है। अब ये स्पर्श इंद्रिय कितना ग्रहण करेगी, क्या करेगी? तो ये आठ जात के स्पर्श करेगी। अब आठ जात के स्पर्श का इसको अनुभव बरोबर हो रहा है। अब आप इसको ये ख्याल आ रहा है कि नहीं, ये ठंडा है कि गर्म है, बरोबर ख्याल आ रहा है? तो ये आठ प्रकार के स्पर्श, अब ये स्पर्श क्या कर रहे हैं? ये इंद्रिय जो है इसकी, ये इसके स्पर्श ज्ञान को अंदर लेकर जाएगा। ये जैसे ये अंदर कौन है? जीव। ये बाहर उसका शरीर है, ये इसको अंदर लेकर के जाकर के आत्मा को बताएगी, अरे
मैंने जैसे कुकर में बाफवा मुकी दीदो छे એટલે बहुत गर्मी लग रही है, बेचारा क्या करे। अब इतनी गर्मी वो सहन नहीं कर पाएगा तो इसके आत्मा उसका शरीर छोड़ करके फिर निकल जाए। अब ये आत्मा ने फिर इसका शरीर छोड़ दिया, अब ये इसमें से निकल करके चले गए था। अब ये निकल करके गई तो अब ये जो है अजीव, अब जीव रहित पुद्गल बना रहा। छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? उसकी ग्रहण गर्मी सहन करने की शक्ति, ये देखो ये क्या है, उष्ण स्पर्श। अब ये उष्ण स्पर्श सहन करने की उसकी क्षमता कितनी है, 10%, और कुकर में गर्मी आ रही है 200%, 200 गुनी ज्यादा है। अब ये कैसे जिएगा? अब ये नहीं है तो ये इसके सामने शीत स्पर्श, अब ये इसका अपोजिट ठंडा है, अब इसको ले जाकर फ्रिज में रख दिया। अब इसकी ठंडी सहन करने की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 10%, और फ्रिज में जाकर के वो -40° में जाएगा तब ठंडा होगा। अब वो बेचारा फ्रिज में बैठा बैठा अंदर जो है एकदम ऐसे 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 कांप रहा है, तो उसमें भी उसकी मृत्यु होने वाली। हाँ, 10% ही ठंडा सहन करेगा। आपको अभी ले जा करके हिमालय के बर्फ के साथ में बैठ, मैं सचिन, अब जितनी जिसकी क्षमता है वो कितने मिनट रहा, वो कितने मिनट रहा अंदर, अभी 1 मिनट में दिन निकाल दिया तो अभी उसको जितने तक वो सहन कर पाएगा वहां तक जीवन जीने की कोशिश करे। तो है तो ये केंद्रीय 8 स्पर्श से ही उसको इंद्रिय बोध होने वाला है। अब जो उसका दर्शन भी हुआ और जो उसका ज्ञान भी हुआ, अंदर दर्शन भी हुआ ज्ञान भी हुआ, तो किसका हुआ, इन 8 स्पर्श का, क्योंकि इंद्रिय ये है, इंद्रिय का काम, इसका काम क्या है, इसका काम ज्ञान दर्शन ग्रहण करने का है। तो ये ज्ञान है और ये दर्शन, इसको ग्रहण करना है, वो किस में से करेगी, इंद्रिय का काम बाहर से आत्मा को ज्ञान दर्शन पहुंचाना, इंद्रिया वाहक है, दर्शन का होता 8 स्पर्श का ना। हाँ, वाहक, वाहक किसकी वाहक है, ज्ञान दर्शन की वाहक है। अब ज्ञान दर्शन है गुण किसका है, आत्मा का है, पुद्गल पदार्थ उसका द्योतक बन गया, वर्ण गंध रस स्पर्श, अब उसके कारण उसको इतना ही बोध होना है। हमको भी हो रहा है, हमारी ये पूरी चमड़ी क्या कर रही है, स्पर्श अनुभव कर रही है, इसलिए स्पर्श इंद्रिय नाम, वहां एक ही, हमारे पास 5 और 5 में एक है, तो एक भी काम तो वही कर रही है ना। नियम क्या है, एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय नहीं करेगी, क्यों, उसके कर्म अलग है। एक इंद्रिय को ही अपना ज्ञान दर्शन ग्रहण करना है, दूसरी इंद्रिय को दूसरा ज्ञान दर्शन ग्रहण करना है। अब जिसके पास 2 इंद्रिय है वो 2 से करेगा, जिसके पास 3 है उसके 3 से करेगा, 4 है 4 से करेगा, 5 है 5 से करेगा, बस पूरी हो गई। नाग रूप में भूमार हुआ है सुगंध के दुर्गे पर पूरे की ओक नहीं और नाक भी और ठावड़े और दारू जीव जी की ठावड़े में निकल रहा है, सुगंध है ना, गंध से ही तो ग्रहण कर रहा है, जो दृश्य थी वो गंध से ग्रहण कर रहा है, दृश्य को गंध से नहीं ग्रहण कर रहा है। आप उसकी आंख बंद कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा, गंध से ग्रहण कर लेगा, नहीं गंध से ज्ञान हुआ है, चक्षु से वर्ण देखकर नहीं हुआ है। चक्षु इंद्रिय का काम क्या है, वर्ण ग्रहण, रूप ग्रहण, रूप 5 है, लाल लीला पीला सफेद काला, अब वो उसको नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है तो नहीं सही। अब आप उसको ये पूछो कि सीधा लाल है कि काला है तो वो नहीं बताएगा। लेकिन जो आपके लिए तो माया पर फ्रीज में मैंने वो सीधा स्पर्श वाली मात्रा बता रहे हैं, माया पर वो चीज बड़ी छवि। हाँ, आपने केला रखा फ्रीज में, अब सुबह रखकर शाम को निकालो काला पड़ेगा। आपने नींबू रखा फ्रीज में, काला पड़ेगा तो बढ़िया जी, मतलब क्या हुआ जीव, अब जीव कितने अंश में, केला में तो वैसे भी नहीं है, केला जब डाली के साथ जुड़ा हुआ है वहां तक सचित है, क्या ले आप बीच में दूसरा जो लेगा। अब एक आम के बीच में गुठली है,
तो उसके वहां तक पहुंचने में उसको कितना, ये थर है ना उसका लेयर, ये अब वो वहां तक अपने आप को कितना सॉलिड बचाने की कोशिश करेगी। अब जो है नींबू के अंदर बीज है, तो बीज पत्थर भाग जैसा सॉलिड है, बाहर रस है, वो रस जमेगा, वो प्रवाही है, पानी है, तो अंदर जो है जाकर के नींबू के बीज में जो जीव है वो उसका सुरक्षित बचेगा। तो बीज वाले भाग इतने जल्दी सचित से अचित नहीं बनेंगे, लेकिन आज नींबू रख करके कल बीज में से बाहर निकालो तो उसकी चमड़ी पर आप देखोगे रंग बदल गया, ख्याल आएगा। ये हमारे यहाँ नियम था, इसलिए पुराने प्राचीन काल से हमारे हिंदुस्तान में फ्रिज था ही नहीं, फ्रिज रखने ही नहीं थे, समझते थे लोग कि प्रत्येक वनस्पति का है, जीव है, नहीं रखना है। जीव मैं मरे जी, तो मरे के नहीं मरे, मैंने अभी क्या गुटली, गुटली जो है वो पत्थर जैसी ठोस है और बीच में ये थर के अंदर आवरण है, वो ठिठुर करके शीत वेदना कितनी सहन करेगा, हाँ मरेगा। वियोग कब होगा कि सर्वथा छेदन भेदन हो जाए, मरे नहीं भी मरे, शायद मरे या नहीं भी मरे, जिस प्रकार का जैसा मरे, अब, मरे तो सकते वो तो अपन अपन हाँ, तो ये छेदन भेदन की क्रिया जो है, तो इसके कारण उसका जो है पुद्गल है, आखिर तो पुद्गल है, तो क्या होगा पूर्ण गलन स्वभाव, पूर्ण गलन में क्या होगा वर्ण गंध रस स्पर्श में परिवर्तन होगा। दर्शन और ज्ञान दोनों भाई, अरे वही तो बात है। अब ये जो उसको जो हुआ समझे कि नहीं, अब क्रम पहले ये देखो, ये इंद्रिया यहाँ से लाकर इसने दिया ये दर्शन और ये लाकर देगी ज्ञान, बरोबर, ये नियम है। अब ये आपने बनाए एक इंद्रिय, अब ये कौन सी है स्पर्श इंद्रिय, इसका ज्ञान हुआ, ये दर्शन हुआ, अब दर्शन में आपको क्या हुआ है, कैसा हुआ है, शीत है या उष्ण है, ये जाकर के ज्ञान कौन सा करेगा, मति ज्ञान। अब मति ज्ञान होने के अंदर क्या आएगा इसको, इस इंद्रिय से ये ठंडा गर्म जैसा, अब उसकी मेमोरी बनेगी, अब वो जा करके श्रुत ज्ञान। अब मति में दर्शनात्मक सामान्य बोध रहा, अब वो विशेष आकर के श्रुत में उसको बोध हुआ, चले। अब यहाँ से फिर आगे है, ये जाकर के वापिस राग द्वेष में जो है, अब ये जाकर के राग द्वेष में किसमें कितना कन्वर्ट होगा, आत्मा को ये करना है अंदर, क्या है कि नहीं। अब ये जो है ये प्रक्रिया है, क्रम है, इंद्रिय, इंद्रिय के सामने इंद्रिय का क्या है विषय, विषय कितने हैं, अब ये विषय जो है, तो इंद्रिया माध्यम बनी, विषय को ग्रहण करके दर्शन में ला करके, अब मति में लाकर, श्रुत में लाकर के, अब जाकर के राजवेश में लाए, जो स्पर्श हो, आठ प्रकार के हैं, आठ में से जो भी आए उसका, मतलब वैसा ही हो रहा है दर्शन ही अंदर, आपको जैसा स्पर्श है वैसा दर्शन है, और वैसे के साथ लाकर के वो मति में स्थिर करेगा, हाँ सब करेगा। आप ये क्यों बोलते हैं एकेंद्रीय, अंदर कौन है आत्मा, तो फिर आपको दया क्यों आ रही है, एकेंद्रीय पना पर्याय है, अंदर कौन है आत्मा, आत्मा के अंदर सब है कि नहीं, उसके तो सत्तागत गुणादि सब है, तो क्या विचारना है, तो हाँ, वो जानने के लिए ना, अवग्रह इति स्पष्टम, किम स्पष्टम न तो स्पष्टम, कस्य स्पर्शम न स्पष्टम अधुना इहा, कस्य कीदृशम, इसी के बोल रहा हूँ, स्पर्श में ही तो बोलना पड़ेगा ना आपको, भाई स्पर्श हुआ, ठंडा हुआ, गर्म हुआ, अभी कुछ भी नहीं, अभी खाली अवग्रह है, अब इसके बाद यहाँ में जाकर के शीत स्पर्शम, कीदृशम शीत स्पर्शम, कस्य शीत स्पर्शम, कथित प्रमाणम शीत स्पर्शम, अब वो यहाँ में से अवग्रह में से धारणा में आया,
अपाय में, अपाय में क्या होगा, वैसे उसको अंदर जाकर के स्पष्टता आती जा रही, एक के बाद दूसरे चरण में थोड़ी ज्यादा, थोड़े के बाद तीसरे चरण में ज्यादा, और फिर चौथे में वो धारणा बन गई, ये हुआ मति ज्ञान। अब ये मति ज्ञान होकर के अब वो श्रुत में जाएगा, उसका बोध बन जाएगा उसको, ये स्पष्टता ज्ञान में आ जाएगी उसको। अब ये ख्याल आते आते वो वहां पर हमेशा के लिए, तो मति क्या है, अंदर स्मृति बना करके अंदर स्थिर रखेगी उसको। अब बच्चे ने दूध पिया मीठा लगा तो उसकी मति अंदर मेमोरी बन गई, दूध मीठा, दूध मीठा, मीठा दूध पीना मीठा, अब वो उसकी मेमोरी बन गई, धारणा बन गई। अब ये जिस जिस में ऐसी धारणा लोग बना रहे, स्त्रियों ने धारणा बनाई दूध जमा कर दही बनाकर फ्रिज में रखो ठंडा दूध, अब वो था भोजन के बाद ठंडा दही खाना, ठंडी लस्सी पीना, ठंडी छाछ पीना, फ्रिज में रखकर ठंडी, ये क्यों बनाई? अब वो शरीर के लिए नुकसान कारक है, इसकी उनको अक्ल नहीं है, श्रुत ज्ञान नहीं है। अब सब ऐसे ही करने लग जाए, अब उनको अक्ल का उपयोग ज्यादा नहीं करना है, नकल ज्यादा करनी। हमारी सासू ऐसे करती थी, बहू भी ऐसे करे, अब इसका क्या करना? अब वो जाकर के पाचन तंत्र को ठंडा कर रही है, वो नुकसान हो रहा है। चले दही गर्म है, छाछ गर्म है, दही ठंडा नहीं है, छाछ ठंडी नहीं है, तो उसकी उष्णता पाचन को बढ़ा रही है, उसकी आवश्यकता है, और यहाँ ये उल्टा कर रहे हैं। इसके कारण जो भी शरीर के गुणधर्म से आहार में विपरीत होगा वो डायबिटीज जल्दी करेगा। अब गुणधर्म हम जो प्रकृति, छाछ की प्रकृति उष्ण है, शीत नहीं है, तब वो अग्नि प्रदीप्त करती है, मंदाग्नि वालों को छाछ पीना चाहिए ताकि उसकी अग्नि प्रदीप्त हो, पाचन क्षमता बढ़े। अगर महिलाओं ने ठंडा करके आपको दे दिया, अब भोजन किया और भोजनांते पिबेत क्रम, अब भोजन के बाद आपको अंत में गर्म लेना कि ठंडा लेना? फिर अब भोजन कर लिया मतलब पेट के अंदर स्टमक में जाकर स्टोरेज हुआ, अब उसको गर्म होगा तो पचाएगा, मंदाग्नि क्यों होती है? ठंडी। अब लोग जो है भोजन करने बैठते हैं और वो फ्रिज का ठंडा पानी पी लेते हैं, अब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो, वो जाकर के डायबिटीज अवश्य करेगा। अब उनको लग रहा है बाहर की गर्मी, अरे उनालो छे गर्मी छे, परसे हो था है, परसे, अरे परसे हो था है, तो आप फ्रिज का ठंडा पानी मत पियो, और भोजन करते समय तो बिल्कुल नहीं। अब भोजन करते समय, हाँ बरोबर, अब भोजन करते समय आपको बीच में एक कटोरी गर्म पानी पीना है, वो गर्म पानी पीने से आपकी अग्नि को प्रदीप्त करेगा तो पाचन क्षमता बढ़ेगी, वो मेटाबॉलिज्म उसका तैयार होगा तो इम्यून सिस्टम में डाइजेशन प्रॉपर होगा, वो सारे तत्व प्रिजर्व होंगे, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, वो जाकर के रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाएंगे। जब अंदर के इम्यून सिस्टम मेटाबॉलिज्म आपका परफेक्ट नहीं है तो वो आपके रोग प्रतिकारक क्षमता कैसे बढ़ाएगा? तो रोग प्रतिकारक क्षमता घटा कौन रहा है? डायबिटीज। अब डायबिटीज के कारण सारी रोग प्रतिकारक क्षमता घट गई, तो डायबिटीज वाले को कोई भी रोग जल्दी पकड़ सकता है, कोई भी रोग जल्दी पकड़ सकता है, क्योंकि अंदर से खोखला हो गया शरीर, अब उसके अंदर वैसी शक्ति नहीं रही। शक्ति किसकी बात है? अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, कैलोरीज, ये सब रहेंगे तो वो जो है रोग के सामने प्रतिकार करेंगे। अब एक हमारी आत्मा एक एक शरीर में और बैक्टीरिया एक साथ में असंख्य आ गए, और असंख्य बैक्टीरिया के सामने रोग प्रतिकार कैसे करना? तो दही क्या करता है? दही के एंजाइम्स है तो वो आपके शरीर में पाचन तंत्र को सतेज करता है, छाछ बने तो वो आपके शरीर को सतेज। अब छाछ में कोई जो है फ्रिज का ठंडा पानी डाल दे, अब बोलेंगे छाछ है तो ये और उल्टा हो गया, और फिर छाछ करके उसमें बर्फ डाल दिया तो और उल्टा हो गया, अब वो जा करके आपके पाचन तंत्र को ठंडा कर, अब वो पचन नहीं होगा तो आम बनकर म्यूकस बनकर स्टोरेज हो जाएगा। अब बात फिर वायु जो है वो आम को ले जा करके दूसरे शरीर के अंगों में पहुंचा देगी, वो हो गया रूमेटाइज आर्थराइटिस, आम बात हो गया।
हम खुद अपने हाथों से ऐसी बीमारियां खड़ी कर रहे हैं। क्यों खड़ी कर रहे हैं? ये वास्तविकता नहीं समझ में है इसके कारण। क्या लाएगा? अब उल्टा चल रहे हैं और पुरुष बेचारे बिना ज्ञान वाले स्त्रियों के अधीन हो जाते हैं। भाई जय मापे हम खाई ले, जय आपे खाई ले बीजू क्या। अब वो बेचारे जो है वो बिना अक्कल के वैसी बना रही है, उल्टा ही बना रही है, तो वो जो देंगे वो खाएंगे, तो वो भी बीमार ये भी बीमार। अब मतलब क्या रहा? फिर जा करके आप डॉक्टरों की दवाई लो तो उससे क्या नुकसान नहीं होगा तो क्या होगा? ये दोनों बात हमको यहाँ स्पष्ट करनी पड़ेगी, समझे? मतलब ये भी देखो, आयुर्वेद शास्त्र भी मूल बना तो पदार्थ शास्त्र के हिसाब से। आधार क्या है? आधार में पदार्थ जो आए हैं तो उसमें उन्होंने भी तो वर्ण गंध रस स्पर्श लिए। आयुर्वेद ने मुख्य आधार किस पर रखा है? शरीर पर। शरीर पर रख करके धन्वंतरी या चरक क्या करें, बीमार व्यक्ति की दवा करना, ये आयुर्वेद शास्त्र नहीं है। व्यक्ति को बीमार होने न देना ये आयुर्वेद शास्त्र है, स्वस्थ रखना ये आयुर्वेद शास्त्र है। हमने क्या समझ लिया, बीमार हो तब आयुर्वेद, बीमार होता, अरे बीमार नहीं, आप पहले ही आयुर्वेद के हिसाब से लाइफस्टाइल सेट करो तो आप बीमार पड़ोगे। फूड स्टाइल एंड लाइफस्टाइल, आहार शैली, भोजन शैली, दिनचर्या आपके आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से बना। इसलिए आयुर्वेद को भी एक दर्शन का, वो भी अपने आप में एक दर्शन है, उसकी भी फिलोसॉफी है। क्या लाएगा? नहीं तो वो अपने हिसाब से अपनी फिलोसॉफी बनाकर लोक व्यवहार में सभी आयुर्वेद के नियमों को बिल्कुल विपरीत रूप में चलाया जा रहा है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही। नहीं तो क्या कारण था सब? ये स्पष्टता बैठनी चाहिए। यहाँ मूलभूत रूप में आप पदार्थों को पकड़ रहे हैं। श्रुत बुद्धि बनेगी, समझ बनेगी, व्यवहार करेगा, खुद समझेगा, खुद समझाएगा, खुद उसकी धारणा बनाकर बुद्धि को स्पष्ट करेगा। हाँ, श्रुत ज्ञान उसको उसके हिसाब से है तो सही कि नहीं? अब जब जब भी वापिस ऐसा शीत स्पर्श आ जाए, उष्ण स्पर्श आ जाए तो क्या करना? नहीं, धारणा मति में रहेगी खाली। उपयोग कौन करेगा उसका? श्रुत ज्ञान करेगा उसका, उसके हिसाब से। बुद्धि तो बने कि नहीं बने? समझ जो बनी है उसके, वो श्रुत ज्ञान है उसका। क्या लें? अब जब जब भी ऐसा शीत आएगा, उष्ण आएगा, स्निग्ध आएगा, रुक्ष आएगा, क्या भी आएगा, तब उसको वेदना पीड़ा जो होगी वो किससे होगी? हाँ, तो उसका व्यवहार तो श्रुत ज्ञान से ही चलने वाला है। उपयोग श्रुत ज्ञान करेगा। हाँ, उपयोग स्टोर रहेगा, मति स्मृति में आ गया। मति होना और मति का उपयोग करना, मति होने में दर्शन की प्रक्रिया से, अब जाकर के आप उसका उपयोग करो तब श्रुत से क्रियाशीलता। खाली मति से काम नहीं चल सकता है, इसलिए बिना श्रुत ज्ञान का मति ज्ञान नहीं और बिना मति ज्ञान के श्रुत ज्ञान नहीं। तो ये कार्य कारण भाव जुड़ा है। श्रुतम मति पूर्वकम, ऐसा सुना है कि जहां पर श्रुतियां होते हैं तो मति ज्ञान होता ही है। हाँ, ये कहां से लाया नया आपने? मेरे को ये समझ, कौन कौन सा आगम के नाम दो पहले, रेफरेंस के साथ बोलो। नहीं, यहाँ पहले बोलो कि भी नंदी सूत्र में है। नंदी सूत्र नहीं है, रस्ता में जाएगी तो मैंने कहने की वो आती है, आपने बताया वो आती है, तो मैं उसे आती के लिए चार पर जो आती है आप किसी भी दर्शन की बात करो, किसी से मतलब नहीं। पहले यहाँ न्याय दर्शन वाले को क्या कहना है वो उससे मतलब नहीं। केवल ही प्ररूपे सर्वज्ञ का सत्य यथा सिद्धांत क्या? श्रुतम मति पूर्वकम, श्रुतम मति पूर्वकम, कारण के बिना कार्य नहीं होगा, बिना कार्य के उसका व्यवहार नहीं चलेगा। नहीं कैसे होगा सर? मति ज्ञान क्या करेगा? मति ज्ञान से जाकर के श्रुत का व्यवहार नहीं तो उसका कार्य चलेगा ही नहीं। आप इधर उधर पजल मत हो, पहले आप कटे थे कटे खिचड़ी भेरी भी करो, स्थिरता कण में नहीं रहती।
नहीं ये कंपलसरी है, मति श्रुत दोनों ही साथ में चलते हैं बस। तो अरे नहीं रखो वो आपका काम है, आप नहीं रखना है तो मत रखो आप वो उपयोग। ये इतना फास्ट क्रम है, इतना फास्ट चलने वाला है, आप उपयोग उधर जाए ना जाए ये आपकी कमजोरी ख्याल है कि नहीं। वहां आपके राग द्वेष बीच में है, मोहनीय कर्म बीच में है, वो दूसरी तरफ ढाल देता है। हम दर्शन करते हैं भगवान के, विचार दूसरे आ जाते हैं, वो हमारा उपयोग शुद्ध नहीं है। लेकिन होगा तो मति श्रुत साथ में, मति श्रुत रहेंगे तो साथ में, उपयोग होगा तो साथ में। अब उपयोग पूर्वक होवे कि न होवे, अब वो श्रुत ज्ञान से उसको पक्की सूत्र बोल रहा है, अब बोल रहा है तो थोड़ी बुद्धि का उपयोग कर रहा है, अर्थ थोड़ी कर रहा है, समझ का उपयोग नहीं कर रहा है, वो मति ज्ञान से चल रहा है। और चलते हुए भी मति ज्ञान के अंदर उसको मोहनीय कर्म के राग द्वेष से दूसरी तरफ ढल जाए, बोल रहा है और विचार दूसरे आ रहा है तो कोई बोल भी पड़ेगी। अगर वो बोलने में एक्सपर्ट है, क्या उपयोग भाव में मति में से निकल रहा है, बोल रहा है और फिर भी विचार आते हैं तो भी नहीं बोल रहा है तो बात अलग है। बड़ी अच्छी अभ्यास बनाया नहीं है, आपका कोई अर्थ अर्थ बीच में नहीं आएगा, भाव नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं। बस उपयोग ज्ञान तो दोनों ही है ना, अंदर तो है कि नहीं, तो नहीं। समझ में है क्या बोल रहे हो आप? अतिचार बोल रहे हो कि पक्की सूत्र बोल रहे हो? ये कौन, ये विवेक किसने किया? ये बुद्धि ने, श्रुत ज्ञान। उसके बाद में हाँ, अब आप बोलो मति ज्ञान के अंदर बटन दबाओ कि भाई चलो ये पंखा पंखा चालू होना है कि लाइट चालू होनी है, पक्की सूत्र बोलना है कि अतिचार बोलना है, जो बटन दबाया वो चल। होना और रहना और उपयोग करना, आप ये पहले समझो। होते टाइम क्या होगा, रहते टाइम अंदर क्या होगा, और अब आपको श्रुत ज्ञान का उपयोग नहीं करना है, अकेले मति ज्ञान का करना है, करो। किसी को अकेले श्रुत ज्ञान का उपयोग करना है, मति ज्ञान का नहीं करना है। उपन्यास जी चंद्रशेखर महाराज ने कहा आपको जीव विचार न होता तो गाथा गोपानी जरूर नहीं, एना कंटेंट लेने पदार्थ ज्ञान कर लो। तो उन्होंने कहा कि मति ज्ञान नो दरवाजो बंद करो, आपने श्रुत ज्ञान नो चालू रहा। अब जो भी हो तो उन्होंने कहा कि भाई गाथा वाथा कुछ मत करो, तो किसका लेना? अब पूरी गाथा का पाठ करोगे तब जो है 60 गाथा आपकी पाठ होगी। वो बोले नहीं करना है, मत करो, छोड़ दो। क्या करना है? अर्थ अर्थ अर्थ, इसने ये टेबल बना लिया, चार्ट बना करके 563 भेज, हो गया जी विचार, चलो आगे। अब क्या करना है? गाथा करके इतना। अब गाथा नहीं किए उसको डिटेल जब पूछने जाओ कि पृथ्वी काय के 22 भेद आपको जी विचार में बताए कौन से, नाम बोलो। वो कह के मैंने कहीं खबर नहीं भाई, पृथ्वी काय ना 22, आपने इतनी खबर। अब वो कैसे अर्थ बैठाएगा? अब वो श्रुत ज्ञान से अर्थ स्पष्ट करे, सर्व धातु पृथ्वी काय, सर्व जात के पहाण जाइयो नेगा। ये श्रुत ज्ञान सहज क्रिया कुछ भी नहीं। आप क्या होता है वो फास्ट हो रही है इसलिए सहज बोल दे, तो जल्दी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान नहीं, वो फास्ट होती है उसका मतलब क्या, वो बिना श्रुत ज्ञान के ये उपयोग नहीं। मति ज्ञान में तो पड़ा है, अंदर स्टोरेज में पड़ा है, स्पर्श इंद्रिय के ऊपर है, मैंने कपड़े से पहुंचना है। लेकिन अब इस समय श्रुत ज्ञान के ऊपर से आपको भान हुआ, ज्ञान हुआ, क्या फक इतना स्पीड में फास्ट हो रहा है ऑटोमिज्म, ये हमारा उपयोग नहीं जा रहा है। तो हो रहा है किसके कारण हो रहा है? तो आप बिना ज्ञान दर्शन के आपका व्यवहार ही नहीं चल सकता है, किसी भी जीव का नहीं चलता है। इसलिए सबके अंदर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अनिवार्य है। दर्शन में यह भाई धारणा ये बराबर है। तो बताओ से आप भी चंद्र को जो है कि सुगाता नहीं करो तो पर मतलब 560 घंटे जो उपयोग तो है तो नहीं है। हाँ, मतलब उसको पूरे 60 गाथा इतना याद रखने की जरूरत नहीं, उनको खाली 563 का टेबल याद रख दिया काम। वो ऐसा कह रहे शॉर्टकट किया, जल्दी पढ़ाओ, जल्दी करो, जल्दी पढ़ाओ, वो ठोस विद्वान नहीं बनेगा। ख्याल आएगा ना? पची जने के ऊपर ऊपर दरिया ऊपर तरो,
અંદર કેટલું ઊંડું છે ને ક્યાં રત્નો છે એ નહીં જોવાનું, તમને તરતા આવડ્યું ને હાથ પર ગલા અંતર બસ બીજું શું. તો ઉન્હોને શોર્ટકટ નહીં કાલા, તો અમારે મહાપુરુષોને ક્યાં ગલતી ક્યાં ક્યાં ઇતના બડા પ્રકરણ બનાય, इतना जीव विचार बनाए, इतना बड़ा नव तत्व बनाए, इतने कर्म ग्रह बनाए, इतनी बड़ी क्षमता से शक्ति से उन्होंने अर्धमाग्धी की प्राकृत भाषा में रचना करके एक पूरा जो है सीक्वेंस में आपको ठीक है, तो है जो कोई बंद करना है, है जो कोई ओसो करता है, जब फंसे फसा भरवाती कोई भी ओसो भी तो मतलब कोई नहीं. अब आज अगर कर रहे हो अभी 21,000 बरस के शासन में, 2,500 बरस में अगर आज आप ये कर रहे हो तो अभी 18,500 बरस तक भगवान का शासन 2,500 साल तक तो गए ना फिर, तो ये और जाएगा तो बचेगा क्या, कंप्यूटर में नुकसान किसका होगा, अब नुकसान जब इतने ज्ञान का नुकसान होगा तो ज्ञानियों की कक्षा कैसी रहेगी. ऐसी बात नहीं है भाई साहब, समझे क्या, फिर पहले हमको आज तो हमको उसको सूत्र स्वाध्याय अर्थ स्वाध्याय तदुभय सूत्र अर्थ तदुभय, तो ये तीन में से आप एक एक अंग तोड़ रहे, ख्याल आएगा. आप जीवों को देखकर, काल को देखकर, इन जीवों के ऐसी कक्षा देख करके एक एक परंपरा जो है उसमें से हाथ में चली जाएगी, तो आगे ये कर रहे हैं सामान्य जीवों के हिसाब से, लेकिन विशिष्ट बुद्धिशाली भी आएंगे तो उसको भी एक ही गाड़ी में बैठाएंगे. विशिष्ट बुद्धिशाली होशियार को भी जो है कमजोर की गाड़ी में बैठा देंगे, तो उसकी तो बुद्धि की क्षीणता हुई नहीं, आपने तो गाड़ी के पास ट्रैक बना दिया, चलो भाई हमें कोई बनवान जरूर थे आज बनवाना चाहे बस आत्मज बनवाना, तो वो बुद्धिशाली भी नहीं होगा. पहले क्या करते थे, बुद्धिशाली तैयार करते थे, वाद विजेता तैयार करते थे, वादी बनाते थे. अब हम ये कहें कि भी काल काल काल, अरे सब काल के बुद्धि को ही काल लगता है क्या, सब काल को ही काल बुद्धि में ही आता है क्या, लेकिन ये भी हमको सोचना तो पड़ेगा. सब सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम. आज हम गाड़ी पाठा मत दीजिए उतरी हम बीजी दिशा में गए हैं बाबूजी के लिए Thank you.